गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज रैपिड रिवीजन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। पहले कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर इसके प्रिंसिपल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये भी डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी क्या है? दैट वी आर गाइडेड बाई सर्टन प्रिंसिपल्स, मॉरल प्रिंसिपल्स विच हैज बीन लेड डाउन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके हिसाब से हम यहाँ पे इसको डील करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दे हैव टू अबाइड बाय द सब्सटेंशियल मॉरल एंटेलमेंट, व्हिच मींस द मॉरल प्रिंसिपल्स हैव टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन जब भी हम डिसाइड करेंगे। इसमें हमने केस पढ़ना है बीआर कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिस केस के अंदर आपके सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था दैट द डिग्निटरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लाइकवाइज योर गवर्नर, योर प्रेसिडेंट, दे आर ऑल गवर्न बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी। एंड इस केस के अंदर यही चीज हेल्ड हुई थी कि जहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है तो वहां पे आप हमेशा मोरालिटी के ग्राउंड्स पे कॉन्स्टिट्यूशन के आप अबाइड बाय करोगे। नेक्स्ट टर्म है आपकी, दैट इज योर डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 इक्वालिटी से डील करता है, जहां पे वो बोलते हैं कि व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, व्हाट इज रीजनेबल क्लासिफिकेशन एंड व्हाट इज योर इंटेलिजिबल डिफरेंशियल। इन तीन सर्कमस्टांसेस में हमने क्या चीजें पढ़नी है। पहली चीज, रूल ऑफ लॉ इज दैट लॉ इज सुप्रीम, लॉ हैज टू बी अप्लाइड इन दैट मैनर कि कुछ भी चीज उसको एब्रोगेट या कट शॉर्ट नहीं कर सकते। तो रूल ऑफ लॉ इज द सुप्रीमेसी, जहां पे कोई भी लॉ के ऊपर नहीं हो सकता, लॉ के अंडर ही वो गवर्न करवाए। देन इज योर जुडिशियल रिव्यू, एज वी डिस्कस्ड अंडर आर्टिकल 137 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू इज दैट रिव्यू जहाँ पे जुडिशरी जो है वो कुछ भी आपके जजमेंट्स को, आपके डिसीजंस को, लेजिस्लेटिव डिसीजंस को भी रिव्यू कर सकते हैं। और उस पर हमने कहाँ कहाँ पे केसेस पढ़े थे, इफ यू रिमेम्बर आपके जो ये आर्टिकल्स थे, जहाँ पे हमने आर्टिकल 31, 31 ए बी सी पढ़ा था, इसके साथ साथ रेड विद आपका 19(1)(f) पढ़ा था, जो राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसको हमने डिलीट किया था फ्रॉम फंडामेंटल राइट एंड नाउ इट इज लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो उसके अंदर हमने क्या बोला था कि एनी लैंड लॉज विच आर बींग पुट इन टू द 9th शेड्यूल इज इम्यून्ड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। And then Keshanandan Bharti judgment came into power, which lays down the basic structure doctrine. And in that doctrine, they have said that judicial review is a basic structure, and anything which is passed not looking into the fundamental rights or as per the principles of the constitution can be reviewed. So, what is judicial review? Review is to review again the judicial decisions or the other decisions. The basic principle has been enshrined under Article 137. तो 137 में ये जो है ये आपका enshrined है। Next इसके बाद आ जाइए judicial activism। Judicial activism क्या है? Where the judiciary plays a proactive role in deciding the matters, right? For example, the doctrines that they have laid down, the judge-made laws that they have provided, उन सब में judicial activism की बात की जाती है कि जो judges हैं they are no more the mute spectators, they are participating in the participation of the decision making power. Then comes is your constitution. What is constitution? Constitution is first and foremost a social document, a legal document, hai na. Social means society se generate hua hai to social document hai. Legal means isko humne kahin na kahin pe ek legal shape de rakhi hai, isliye ye aapka legal document hai. तो कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड के रूप में पाया गया, जिसमें आपके एक्सप्रेस प्रिंसिपल्स भी हैं, आपके जुडिशियल डिसीजंस भी हैं और आपके कस्टम्स एंड कन्वेंशंस भी, जैसे एक्सप्रेस प्रोविजंस, ऑल द आर्टिकल्स, जुडिशियल कन्वेंशंस, ऑल द डॉक्ट्रिन्स एंड योर कस्टम्स एंड कन्वेंशंस, योर कोलिजन सिस्टम, योर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी प्रिंसिपल्स, ऑल दीज आर कस्टम्स एंड कन्वेंशंस। नेक्स्ट इज योर history to a certain extent, ये जो M.N. Roy है, actually he was the one who suggested for the formation of the constitution, कि हमारे इंडिया का भी एक constitution होना चाहिए। इंडियन constitution को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन जो है वो लगे थे। They have drafted 389 members drafted the constitution, constituent assembly एक थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में से कुछ सब्सटेंटिव कमिटीज थी, कुछ प्रोसीजरल कमिटीज थी, उसमें से एक जो मेन कमिटी थी वो थी आपकी ड्राफ्टिंग कमिटी, जिन्होंने आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था।
ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इतने मेंबर्स थे। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं, एज पर द प्रियम्बल वी गिव टू आर सेल्स अडॉप्ट एंड अनैक्ट द प्रियम्बल और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 26th November 1949. However, the date of enforcement is 26th January 1950. तो हमने adopt an act and given to ourselves किया था 26 नवंबर को, लेकिन हमने enact कब किया था? 26 जनवरी 1950. इसके लिए क्यों important है 26 जनवरी? 26 जनवरी 1930 के अंदर आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज घोषित किया था, और जब वो पूर्ण स्वराज उन्होंने डिक्लेयर किया था तब वो 26 जनवरी का दिन था 1930 में, एंड दैट इज वाई उन्होंने उसी डेट को एज इट इज इंटैक्ट रखा, जिस बेसिस पे हम यहाँ पे देख रहे थे कि जी एज पर देम आपका जो यहाँ पे 26 जनवरी होगा उसी दिन को हम अनैक्ट करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आएंगे। लॉ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26th November, राइट? देन व्हाट इज सेलिब्रेटेड ऑन 26th January? रिपब्लिक डे एंड 15th August इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, व्हेन द नेशनल फ्लैग वाज अनफोल्ड। नेक्स्ट इज योर 1930 एज इट हैज बीन डिक्लेयर्ड। उसके बाद आ जाइए आपका, इस पे जो सबसे ज्यादा खर्चा आया था दैट वाज 64 लाख एट दैट टाइम, ठीक है। ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने वाले हैं वो थे आपके जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में जो ड्राफ्टिंग कमेटी में काम किया था वो हेड थे, उन्हीं को हम फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। एंड देन आपके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं, हु वाज द फर्स्ट पर्सन इवन टू साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दो तरीके के प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे जब लीगल हिस्ट्री की बात आएगी। इंटरिम प्रेसिडेंट फॉर टू डेज वॉज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, देन इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है जी। इसमें अगर पीटी में वो क्वेश्चन पूछे तो हिस्ट्री के हिसाब से दो दिन के लिए इंटरिम प्रेसिडेंट जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट आ जाइए, इसके बाद आपकी जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जिसको हम नॉर्मली मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, वो क्या है? जिसने मेजरली आपके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया है। ऑल्दो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 105 टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं अभी तक, बट 42nd अभी भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। कुछ कुछ जगहों पे आपकी 44th अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट आएगी, 25th अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट आएगी, 86th अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट आएगी, 69th अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट आएगी, बट 46 इज वेयर मेजरली द ऑल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड। देन आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो नॉर्मली ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन में ये आता है कि ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनली 395, ठीक है। अब क्योंकि उसमें कैपिटल ए बी सी इंक्लूड हो रहे हैं तो उसके हिसाब से इट इज मोर देन 445 एंड दे हैव रिटन इट इज 470 आर्टिकल्स ग्रुप्ड इनटू 25 पार्ट्स विद 12 शेड्यूल एंड 5 अपेंडिसेस, एंड 12th शेड्यूल सीक्वेंस वाइज आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट शेड्यूल डील्स विद फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट, सेकंड शेड्यूल डील्स विद सैलरीज एंड एलोकेशन, थर्ड शेड्यूल डील्स विद ओथ एंड अफर्मेशन, फोर्थ शेड्यूल डील विद द एलोकेशन ऑफ द सीट्स टू राज्यसभा इन केस देयर इज अ चेंज ऑफ द स्टेट बाइफर्केशन, फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल डील्स विद द शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट विद रिगार्ड टू द असम एंड अदर एरियाज, सेवंथ शेड्यूल डील्स विद द लिस्ट, दीज आर थ्री लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, एट शेड्यूल डील विद द लैंग्वेजेस, यू हैव 22 लैंग्वेजेस, नाइन्थ शेड्यूल डील विद जुडिशियल रिव्यू, judicial review, land laws in which Iyer Kolu case is a landmark case. Then 10th schedule is anti-defection law, deals with 52nd constitutional amendment. 11th and 12th schedule deals with panchayats and municipalities, also dealt with 73rd and 74th constitutional amendment. Ab iske saath jo hamare 12th schedule ho gaye, then पार्ट थ्री विच इज नोन एज द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट के अंदर आपके इसको हम मैग्ना कार्टा बिल ऑफ राइट्स भी बोलते हैं, क्योंकि हमने जो फंडामेंटल राइट्स लिए हैं वो फंडामेंटल राइट्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जनरली कहीं ना कहीं पे कहते हैं हम बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन,
बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि हमने कुछ कुछ चीजें जहां जहां से हमें अच्छा लगा हमने वहां से बोरो की, इसीलिए हमने फंडामेंटल राइट्स को जनरली ट्विस्ट एंड टर्न करके अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से यूएसए से बोरो किया है, इसीलिए उसको हम मैग्ना कार्टा और बिल ऑफ राइट्स भी बोलते हैं। देन बी एन रॉय वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, एम एन रॉय एंड बी एन रॉय में कंफ्यूजन नहीं करनी। एम एन रॉय जिन्होंने इस चीज को आइडिया को लेट डाउन किया था फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड एम एन रॉय ही वॉज सॉरी बी एन रॉय वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। और आपके फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देन आ जाइए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आपको जब पॉलिटी पढ़ाई जाती है इन डेप्थ, तब ये बताया जाता है कि एक क्राउन रूल था, एक चार्टर रूल था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 AD में आई थी, उस टाइम पे अपटिल योर बिफोर द म्यूटनी ऑफ 1857 क्राउन रूल चलता था। क्राउन रूल में दे वर द गवर्निंग लीडर्स फॉर अस एंड वी वर डिप्राइव्ड सेक्शंस। और कहीं ना कहीं पे ये क्राउन रूल में पहले जो ये आए थे सिर्फ ट्रेडिंग पर्पजेस के लिए आए थे कि जी हमने इंडिया में ट्रेड करना। लेटर ऑन जब इन्होंने देखा कि वी पीपल आर नॉट दैट मच फ्लुएंट विद द अदर थिंग्स, वी पीपल आर इग्नोरेंट इललेजिटिमेट नॉट इललेजिटिमेट इलिटरेट, देन इन दीज सर्कमस्टांसेस हम लोगों ने यहाँ पे उन्होंने रूल करने की कोशिश की, एडमिनिस्ट्रेशन को भी ट्रेड को भी अपने हाथ में लिया, जिसके कारण एजिटेशन हुई 1857 में। 1857 की म्यूटनी के बाद ये चीज सेटल हो चुकी थी कि अब इंडियंस चुप नहीं बैठेंगे, ड्यू टू विच चार्टर रूल्स का इंसेप्शन हुई। और वो चार्टर रूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स आते हैं आपके इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919, विच डील्स विद मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जिसके अंदर हमने डायर्की को खत्म किया, ड्यूअल गवर्नमेंट्स को खत्म किया, जिसके अंदर कहीं ना कहीं पे हमने इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन देनी शुरू की और इंडियंस की से इंप्रूव करी। वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे अभी देखेंगे। देन दे सेड काउंसिल ऑफ इंडिया कंप्राइजिंग ऑफ दिस लॉर्ड कैनिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर पीटी, लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। वॉइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट दो पोस्ट बाद में निकाली गई, पहले वॉइसराय ऑफ इंडिया थे, फिर उससे पहले प्रोविंसेस और प्रेसिडेंशियल टाउन्स के वॉइसराय थे, अब वॉइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनन जो है वो बने थे। देन लॉर्ड मिंटो इज पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया, जो कम्युनिटी बेसिस पे इलेक्टोरेट सिस्टम्स को बनाया गया था वो थे आपके लॉर्ड मिंटो, राइट। देन इसके बाद यहाँ पे सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेज के अंदर आपका अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट से हमने क्या क्या लिया है, दैट इज योर फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेजिडेंट, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेजिडेंट। इफ वी टॉक अबाउट द यूके, दैट इज वी वर गवर्न्ड बाय द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स से गवर्न होने के कारण सबसे मेजर इम्पैक्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारे गवर्नमेंट पे पड़ा, दैट वाज वी हैव ऑप्टेड फॉर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका कोई लॉजिक नहीं है कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों अडॉप्ट किया, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट क्यों नहीं किया। द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट इज द कम्फर्टिंग जोन, हम लोग उस जोन से वापस नहीं आना चाहते थे एज वी वर गवर्न्ड बाय द ब्रिटिशर्स एंड दे वर फॉलोइंग द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सो वी नेवर वॉन्टेड टू क्रिएट अ क्योटिक सिचुएशन एंड वी ऑप्टेड फॉर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट instead of the American presidential form of the government. Then, in this case, regarding your Australia, we have taken the freedom of trade, commerce and intercourse and the concurrent list. It is not concerned list, it is concurrent list. From Ireland, that is known as USSR, we have taken generally the DPSPs. With regard to federation with a strong center, isme aata, that is your कैनेडियन गवर्नमेंट, जहां से हमने फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है वो लिया था। वी हैव टेकन फ्रॉम जापान द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड आल्सो सर्टेन इंस्पिरेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई? बिकॉज़ देयर इज अ डोमिनेंस ऑफ द जुडिशरी, हियर दे यूजेस द वर्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड हम लोग आर्टिकल 21 में क्या यूज करते हैं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो अमेरिकन कंसेप्ट है वो हमने यहाँ पे, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट का हिस्सा नहीं लिया, वहाँ पे जुडिशरी की डोमिनेंस एक्सप्रेस की जाती है और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जुडिशरी डोमिनेंट नहीं है, रादर हम एक थ्योरी फॉलो करते हैं, वो थ्योरी कौन सी है, सेल्फ रिस्ट्रेन और म्यूचुअल रिस्ट्रेन की थ्योरी, विच मीन्स तीनों के तीनों ऑर्गन्स अपने अपने फंक्शंस में ही काम करेंगे, वो एक दूसरे के फंक्शंस में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और अगर इंटरफेरेंस आई तो वहां पे उस पर्टिकुलर चीज को हम वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं, अल्ट्रावाइज भी डिक्लेयर कर सकते हैं।
तो दैट इज वेयर वी हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ दिस self restraint. Now all these are likewise Russia earlier USSR fundamental duties ko humne article 51 capital A mein incorporate kiya aur hamari abhi presently 11 fundamental duties hain. Jo 11th fundamental duty hai wo 86th constitutional amendment se 2002 mein add hui hai, which is with reference to education, the rights of the parents, wards and the children. Next is these are your France, where from where we have taken republic, ideals of liberty, equality and fraternity. Now come to directive principles of state policy. Constitution is called a lively document. Pehle constitution ki terms pe aa jaate hain. Maine sirf ek term samjhai abhi aapko, that constitution is a social and legal document. Why social document? Because society se evolve hua hai, to social document hai. Why it is a legal document? Because it has been given a shape of law, to ye legal document hai. अब आ जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लाइवली डॉक्यूमेंट. बी इट कॉन्स्टिट्यूशन, बी इट एनी अदर लॉ, इट इज ऑलवेज अ लाइवली डॉक्यूमेंट. लाइवलीनेस हियर मींस द डायनेमिज्म. एनी लॉ कैन नॉट बी स्टैटिक. एवरी लॉ हैज टू चेंज विद द चेंजिंग सिनेरियो एंड द नीड्स ऑफ द सोसाइटी. दैट इज व्हाई इट इज डायनेमिक इन नेचर. एंड कॉन्स्टिट्यूशन, एज वी हैव सीन, 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड. तो इसके हिसाब से आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी एक लाइवली डॉक्यूमेंट बनता है. Now the three terms, constitution ki term humne already discuss kar liye. Ab constitutionality, constitutionalism. Constitutionality here means adherence to the principles of the constitution, which means we have to abide by the rules and the regulations and the principles that have been laid down in the constitution, whether it is DPSPs, your fundamental duties, your fundamental rights. With regard to your constitutionalism, ism here means the supremacy. And supremacy means the supremacy of the constitution. As we have discussed in our classes, as per Professor Kelson, jurist, he says that constitution is the grand norm of our society. What is the grand norm? Means it is the topmost law of our society, beyond which all the other laws derive their sources from the constitution. And that is why, as per Kelson, it is the grand norm of our society. Next, aa jaiye iske baad. Just a second. अब आ जाइए, these 68 and 69 point is very important. Political sovereignty vests in the people of India and legal sovereignty vests in the constitution. What is legal sovereignty and what is sovereignty? We have discussed in the preamble that there are five words which are having the most important things in the all over the constitution. One is sovereign, socialist, secular, democratic, republic. Sovereignty exhibits what? It is the freedom. It is where we have the right to say anything, we have the right to be protected. It is not the anarchy, it is rather more in a democratic form where we have a freedom of speech and expression. So sovereignty here means people sovereignty. People sovereignty means the freedom lies, or the political sovereignty lies in the people of India. We, the people of India, have the right to elect our members of the Legislative Assembly, even the MPs of the Lok Sabha. Then when we are electing them, they being our representatives, have to take the concerns of the society, of us, to the government concern. And that is why the political sovereignty lies with all of us, that is the people of India. With what about your legal sovereignty? Legally, what is supreme? The constitution of India is supreme, so we cannot go beyond the constitution, neither we nor the state. We, anyone, cannot go beyond the state, and that is where the legal sovereignty lies in the constitution of India. Then comes is the preamble first, and then we'll do the salient features. Preamble ke andar three cases are very relevant. One is the Ribery case, then is your Keshanandan Bharti's case, and the third is your Minerva Mills case. In Ribery's case, what was laid down is that the preamble is not the part of the constitution. As the reason behind the same is ki jitne bhi preamble aapke other acts ke hote hain wo hamesha act pass hone ke baad attach kiye jate hain. But ye log ye bhul gaye the ki ye jo preamble of the Indian constitution hai, ye actually mein Pandit Jawaharlal Nehru ji ka objective resolution hai jo unhone 1946 mein pass kiya.
एंड एज पर दैट ये जो आपका प्रियम्बल बना है ये भी उन्हीं तीन रीडिंग से गुजरा है जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस गुजरे हैं. और इसके कारण हम लोग अगर एनालाइज करें तो केशनंदन भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस तरीके से एनालाइज किया और फिर रिबेरीबेरी को ओवररूल किया और बोला कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बट उसके अंदर एक दो राइडर्स लगा दिए गए. वो राइडर्स क्या थे? कैन द प्रियम्बल बी अमेंडेड? द आंसर इज येस, इट कैन बी अमेंडेड. वेदर द प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड एवर? येस, इट हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस. Then, how many words originally was there and how many words are there presently in the preamble? There are presently 85 words in the preamble. अब इसके बाद जो है, अगला जो आया, मिनर्वा मिल्स आया. अब वो कहते हैं आप अमेंड तो कर सकते हो और अमेंडमेंट के लिए मुझे आर्टिकल 368 को देखना पड़ेगा बिकॉज अमेंडमेंट जो है आर्टिकल 368 में प्रोवाइडेड है. एज पर दैट अमेंडमेंट इफ आई हैव टू सी, वो कहते हैं कि एनीथिंग कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट प्रोवाइडेड इट इज द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ द थर्ड क्वेश्चन दैट अराइजेस इज वेदर प्रीएम्बल इज द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इन दिस द मिनर्वा मिल केस हैज सेड दैट जस्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ अमेंडमेंट वी विल कंसिडर प्रीएम्बल एज अ प्रोविजन बट इट इज नॉट द ऑपरेटिव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. What is operative provision? Operative provision means where for the violation of the preamble we cannot go for the courts or take the help of the courts either under Article 32, 226 or otherwise. So, iska kya matlab bana ki provision to hai preamble, lekin operative provision nahi banega. Provision kyun banaya gaya? Taki hum isko easily amend kar sake. Operative kyun nahi banaya gaya? Kyunki isko hum kahin na kahin pe non-justiciable hi rakhenge as iske sare principles humne expressly fundamental rights mein incorporate kar rakhe. Clear hua preamble? Teen cases yaad rahenge. Then इसके बाद आ जाइए आप फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मैंने अभी आपको एक दो फीचर समझाए, वो कौन से थे? बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है ना. इसके अलावा आपका फीचर क्या है कि सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, द बल्कीएस्ट एंड द रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. देन इसके अलावा इट इज कुजाए यूनिटरी एंड कुजाए फेडरल इन नेचर. यूनिटरी कब होगा, फेडरल कब होगा? हमने बाइफरकेशन कर रखी है, सेंटर है, स्टेट्स हैं, यूटीज हैं. लेकिन जब इमरजेंसी आती है और इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन के टाइम पे सारी पावर्स किस पे चली जाती हैं? सेंटर पे चली जाती हैं. तो इसीलिए कुजाई यूनिटरी, कुजाई फेडरल. नॉर्मल पार्लेंस में यूनिटरी फेडरल दोनों रहेगा क्योंकि यूनाइटेड इन वन एस्पेक्ट एंड फेडरल वाइज हमने अलग अलग से फ्रीडम दे रखी है स्टेट्स को. बट जब भी इमरजेंसी आएगी तो हम सारी पावर्स जो है वो खुद ले लेते हैं, राइट. दिस इज अनदर फीचर. देन द फीचर इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी. Integrated judiciary here means that we have at the top Supreme Court and at the middle level the high courts concerned for every state as a general rule, but there are more than one high court for two or more state, one high court for two or more states, and then there are district courts. District courts to bahut hain, high court bhi hain, lekin Supreme Court ek hi aapka. So that is why it is integrated form of your judicial system. Hum log sab usi judicial system se govern hote hain. Then aa jaiye iske baad aapka rule of law, we have already discussed. Then comes is your universal adult franchise, that is the right to vote or the voting rights. Whether this right, agar PT mein question aata, is a constitutional right, legal right, it is a fundamental right, all, none. The answer, it is a constitutional right under Article 326. Under Article 326, universal adult suffrage or universal adult franchise is the right which is provided in the Constitution. ठीक है, वोटिंग राइट्स के लिए आपके अलग से लॉज हैं, बट बच्चे ये पूछें अगर वो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है. राइट टू वोट, बिकॉज वी हैव एक्सप्रेसली मेंशन अंडर दिस, तो राइट टू वोट में अगर यहाँ पे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल बोथ, तो बोथ पे ऑप्ट करिएगा, अदरवाइज प्रेफरेबली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए इसके बाद आपके सिंगल सिटीजन के कंसेप्ट पे. अगर मैं बात करूँ सिटीजनशिप के चैप्टर की, दैट इज पार्ट टू फ्रॉम आर्टिकल्स 5 to 11, उसके अंदर अभी जो आपके आर्टिकल्स हैं एक्सेप्ट 5 और 11 ऑलमोस्ट रिडंडेंट हो चुके, प्लस जो आर्टिकल 10 है वो बात करते हैं आपकी ड्यूअल सिटीजनशिप की. ड्यूअल सिटीजन कहते हैं, हमारे इंडिया में नहीं है,
जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि स्टेट की अलग रहेगी, सेंटर की अलग रहेगी. हमारे यहाँ पे एक ही सिटीजनशिप है, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप, राइट. उसके अलावा हम कॉमनवेल्थ नेशंस के मेंबर जरूर हैं, बट दैट डज नॉट मेक अस हैविंग और होल्डर्स ऑफ ड्यूअल सिटीजंस. हाउएवर, आपका एनआरसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, एज वेल एज आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट को पावर दी जाती है. वो पावर किस चीज की है कि जी पार्लियामेंट चाहे तो सिटीजनशिप के रिगार्डिंग लॉज बना सकता है. और उन्होंने 1955 में ही सिटीजनशिप एक्ट लेके आए थे, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि मोड्स ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप एंड मोड्स ऑफ लूजिंग इंडियन सिटीजनशिप कहाँ कहाँ पे होगी. एक्वायरिंग में बाय बर्थ है, बाय डिसेंट है, बाय रजिस्ट्रेशन है, बाय नेचुरलाइजेशन है, बाय डोमिसाइल. कुछ ऐसे चीजें हैं जहां पे हम लूज भी कर सकते हैं. लूज में टर्मिनेशन है, रेनन्सिएशन है, एंड हम उसको सस्पेंशन में भी जा सकते हैं. तो अगर हमने इन सारे रूल्स को देखना है तो हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 को देखेंगे. मेजरली गवर्नमेंट ने 2019 के अंदर इसको चेंज करने की कोशिश की, जहां पे एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के कारण इन्होंने बोला कि जो भी हमारी इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो दूसरी कंट्रीज से हमारे यहाँ पे आश्रय लेने के लिए आते हैं, उनको हमने 6 माइनॉरिटी परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को अलाउ किया फ्रॉम 3 डिफरेंट कंट्रीज. दीज कंट्रीज वर अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. इन 3 कंट्रीज में से हमने 6 रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को बुलाया. वो थे जो मुस्लिम्स नहीं थे, क्योंकि ये तीनों कंट्रीज मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं. तो उनके अलावा ये आपके जैन हैं, आपके बुद्धिस्ट हैं, आपके ये सारे जितने भी लोग थे, इन लोगों को हमने वहां से बुलाया, जिसके कारण ह्यूमन क्राय इंडियन गवर्नमेंट में, इंडिया में रेज हुआ, क्योंकि असम के थ्रू वो यहाँ पे आ रहे थे और हम उनको एज पर रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप दे रहे थे. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी गए, आर्टिकल 14 के रिगार्डिंग उन्होंने बोला इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14. सुप्रीम कोर्ट इन बिटवीन कुछ नहीं बोलता, लेकिन बाद में एनआरसी के थ्रू हमने 19 लाख वोटर्स को रजिस्टर कराया था और अमेंडमेंट हुई थी. इसके बाद एक डेट फिक्स कर दी गई थी, दैट वाज 31st of December 2014, कि इसके बाद अगर कोई भी इंसान यहाँ पे आएगा तो उसको हम एज पर द फॉरनर्स एक्ट उसको हम डिपोर्ट कर देंगे, उसको हम इंडिया में कंसिडर नहीं करेंगे. So why Indian citizenship is relevant with regard to 5 till 11 is with NRC. So NRC ke regarding brief overview aapko mil gaya hai. Iske baad aa jaiye aap yahan pe article 1 se leke article 4 tak. Article 1 se leke article 4 tak. I hope I'm audible online. एनीवेज आर्टिकल 1 से 4 के अंदर आपके शेड्यूल 1 और 4 भी डेल्ट विद होंगे. नॉर्मली आर्टिकल 1 डिक्लेयर करता है इंडिया, जो कि भारत है और जो आपकी यूनियन ऑफ स्टेट्स कहलाएगी, लेकिन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज वाइडर देन द एक्सप्रेशन आपका यूनियन ऑफ स्टेट्स. यूनियन ऑफ स्टेट्स में तो वो कहते हैं कि भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, स्टेट्स का इकट्ठा एक्यूमुलेशन इज भारत. But territory of India does not only includes the states, it also includes the UTs and certain other territories which may be acquired later on by the government. ठीक है, तो वो सब आपके territory of India में आएंगे. उसके बाद article 2, article 3 आपकी बात करता है कि क्या parliament चाहे तो आपकी कुछ states को नई states में convert कर सकता है या कुछ states को मिला के merger करके एक state बना सकता है. The answer is yes, ये power parliament के पास है. वो चाहे तो नेम्स को अल्टर कर सकता है, बाउंड्रीज को अल्टर कर सकता है, वो जो भी चाहे पार्लियामेंट एज पर आर्टिकल 2 और 3 वो मैनेज कर सकता है. और अगर उसने चेंज किया, ऑटोमेटिकली चेंज इन फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल आएगा ही आएगा, बिकॉज इंडिया के मैप में भी चेंज आएगा एज पर आर्टिकल शेड्यूल 1, और इंडिया के सीट्स में भी चेंज आएगा. जैसे एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द राज्यसभा, कितनी सीट्स जाएंगी कितनी नहीं. फॉर एग्जाम्पल, लास्ट टाइम में जो स्टेट्स की बाइफर्केशन हुई थी 2014 में हुई थी, और 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुई थी. तो पहले एक थी तो उसकी राज्यसभा की सीट्स बहुत थी, अब क्योंकि वो दो स्टेट्स में बट गई तो दोनों की अलग अलग सीट्स हुई. तो इसके कारण हमने शेड्यूल 1 में भी अमेंडमेंट करी एंड शेड्यूल 4 में भी अमेंडमेंट करी. वी हैव डन विद योर दीज आर्टिकल्स एज वेल एज योर सिटीजनशिप. अब आ जाओ आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से 12 से 35 आपके फंडामेंटल राइट्स हैं.
12 से 35 में जो 12 से 32 तक हैं, दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जनरली आपके जितने भी पीटी के क्वेश्चंस बनते हैं वो इसमें से बनते हैं। इट इज वेरी वास्ट, स्पेसिफिकली आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 22 विच आर कंसिडर्ड टू बी द रेजिड्यूरी प्रोविजंस, जिसमें जो चाहे वो हम डालते चले जाएं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जजमेंट्स बहुत बढ़ रही हैं, उस जजमेंट्स को हमने इसमें ध्यान से देखा। पहली चीज, आर्टिकल 12 के अंदर वो कहते हैं हमने स्टेट को डिफाइन किया, बट वॉट इज द नीड ऑफ डिफाइनिंग अ स्टेट? स्टेट इसलिए डिफाइन की गई है क्योंकि पुराने टाइम पे 1950 में जितने भी फंडामेंटल राइट्स की अगर वॉयलेशन होगी तो वो स्टेट के अगेंस्ट ही हम जा सकते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। बट वी आर लिविंग इन 2024, सो एज पर द लिबरलाइजेशन पॉलिसीज, ग्लोबलाइजेशन एस्पेक्ट, कुछ जगहों पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी अब हम अपने फंडामेंटल राइट की वॉयलेशन के लिए जा सकते हैं। इसके लिए हमें ये देखना है कि क्या वो अंडर द फ्रेज ऑफ स्टेट कवर होते हैं या नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टेट की डेफिनेशन पढ़ोगे, एज पर द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 12 में पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर्स ऑफ द स्टेट, लोकल अथॉरिटीज, ये सब स्टेट हैं। वहाँ पे सिर्फ एक वर्ड है जिसकी इंटरप्रिटेशन करने में सुप्रीम कोर्ट बहुत टाइम लेता है और बहुत सारे केसेस उसी फ्रेज के अंदर आ रहे हैं, दैट इज अदर अथॉरिटीज। एज पर आर्टिकल 12 जो वर्ड अदर अथॉरिटीज लिया गया है वो अदर अथॉरिटीज के ऊपर डिस्प्यूट है कि क्या जुडिशरी स्टेट है, क्या BCCI स्टेट है, क्या NCERT, SCERT आपका स्टेट है या नहीं है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी और इसके लिए बहुत सारे केसेस हैं, उनमें से कुछ केसेस हम डिस्कस करेंगे। लाइकवाइज जुडिशरी स्टेट है कि नहीं है, उसकी दो चीजें, वेदर जुडिशरी इज अ स्टेट, द जनरल आंसर इज जुडिशरी इन इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड इज स्टेट एंड जुडिशरी इन इट्स जुडिशियल फील्ड इज नॉट अ स्टेट। द लैंडमार्क केस फॉर द सेम इज AR एंतुले वर्सेज RS नायक, ठीक है। देन BCCI क्या स्टेट है? वो कहते हैं जस्ट बिकॉज फंक्शन वो स्टेट जैसे कर रहे हैं, लेकिन क्या वो एजेंसी है स्टेट के? द आंसर इज नो, एंड दैट इज व्हाई जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड 2005 सुप्रीम कोर्ट ने आपके BCCI को कहा कि ये स्टेट नहीं। इसके अंदर दो लैंडमार्क केसेस जो आपके टेस्ट लेट डाउन करते हैं, वन इज योर RD शेट्टी केस एंड अदर इज योर अजय हासिया केस। RD शेट्टी एंड अजय हासिया के जो केसेस हैं उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस लेट डाउन करे। वो गाइडलाइंस जो लेट डाउन की थी वो ये थी कि क्या अगर एक स्टेट की तरह कोई फंक्शन कर रहा है कोई भी इंस्टीट्यूट, क्या वो प्राइमा फेसाई स्टेट बन जाएगा? उसके लिए उन्होंने टेस्ट लेट डाउन किया, फंक्शनैलिटी टेस्ट, इंस्ट्रूमेंटैलिटी और एजेंसी टेस्ट, कि अगर हम फंक्शंस कर भी रहे हैं तो क्या ये एजेंसी भी है, गवर्नमेंट की एक्सटेंडेड हैंड है गवर्नमेंट का? अगर आंसर ना है तो वो स्टेट नहीं, अगर आंसर हाँ है तो वो स्टेट बनेगा। दैट मीन्स दो टेस्ट, योर इंस्ट्रूमेंटैलिटी / एजेंसी टेस्ट प्लस फंक्शनैलिटी टेस्ट हैज टू बी साइमल्टेनियसली फुलफिल्ड। अगर दोनों में से एक फुलफिल हुआ दूसरा नहीं तो आपका वो स्टेट नहीं कहलाता। जस्ट अ सेकेंड, अब आ जाइए इसके बाद इसी स्टेट के ऊपर, whether NCERT is a state, the answer is no, whether SCERT is a state, no, ONGC, GAIL, SAIL, all these are states, all these public sector undertakings are your states, ठीक है, लेकिन आपकी NCERT, SCERT are not states, clear है? ये लिस्ट जो है वो आपकी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, इनमें से कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें वो हमने डिस्कस की है। इसके बाद आ जाइए आपके स्टेट की डेफिनेशन के बाद, सी दे हैव प्रोवाइडेड आरडी शेट्टी केस एंड देयर इज अनदर केसेस अजय हासियास केस, ठीक है। देन जुडिशियल रिव्यू के ऊपर दिस केस इज वेरी रेलेवेंट, दैट इज मार्बरी वर्सेज मैडिसन। दिस केस इज एक्चुअली अ US और अमेरिकन केस जो सिर्फ PT में पूछते हैं कि विच इज एन इंग्लिश केस on judicial review, that is your Marbury versus Madison's case, theek hai, likh liya aap logon ne iska, Marbury versus Madison's case। haan ji, ab aa jaiye aage,
इसके बाद आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में जो पहले दो आर्टिकल्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद लॉ के डेफिनेशन समझ। आर्टिकल 13 के अंदर पहला चीज वो बोलते हैं कि एक तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है, एक पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं तो तीन डॉक्ट्रिन्स हैं जो बहुत रेलेवेंट हैं। वो तीनों डॉक्ट्रिन्स कौन सी? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ रेट्रोस्पेक्टिविटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ स्फीरेबिलिटी। ठीक है, तीनों की तीनों डॉक्ट्रिन्स प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे एप्लीकेबल होती हैं, पोस्ट पे नहीं होती। विच मीन्स जो भी लॉ बिफोर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया था, अगर वो आज भी इनफोर्स है तो अगर वो कहीं ना कहीं पर रिडंडेंट हो गया है या ओवरशैडोड हो गया है तो हम या तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स लगा के उसको हटा देंगे या डॉक्ट्रिन ऑफ स्वेरेबिलिटी लगा के उसको अलग कर देंगे। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिविटी का क्या मतलब है कि क्या फंडामेंटल राइट्स जो 1950 में आए उससे पहले भी लग जाएंगे? द आंसर इज नो। जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर प्रोस्पेक्टिव इन नेचर, दे विल अप्लाई ओनली आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट बिफोर। देन स्वेरेबिलिटी और इक्लिप्स में क्या फर्क है? इक्लिप्स का मतलब ओवरशैडो हो जाना, ओवरशैडो होने के कारण आप उसमें जैसे ही अमेंडमेंट करोगे आप उसको रिवाइव करके ठीक कर सकते हो। स्वेरेबिलिटी में आप एक पार्ट को बिल्कुल हटा दोगे, हटाने के बाद उसको रिडंडेंट इनऑपरेटिव डिक्लेयर करा दो। ये सारी डॉक्ट्रिन्स एज अ जनरल रूल आपकी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे लगेंगी जो 1950 से बाद में नहीं आए, पहले आए। अगर 1950 के बाद कोई भी लॉ आया है तो स्टेट इज अंडर अ ड्यूटी टू मेक लॉज विद कॉन्सोनेंस और इन कॉन्सोनेंस विद द फंडामेंटल राइट्स। कोई भी ऐसे लॉज आप नहीं बनाओगे जो आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करेंगे, वो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 की बात करते हैं। लॉ कौन कौन से लॉ? ऑर्डिनेंस आ सकता है, बायलॉज आ सकते हैं, रूल्स रेगुलेशन सब आ सकते हैं। ये 13 के क्लॉज 3 में दे रखे। 13 का जो 4 है ना और इसकी लिंकेज वो 368 का क्लॉज 3 क्या है, इसको हमने इनकॉर्पोरेट किया इफ आई एम नॉट रॉन्ग बाय 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। एज पर दिस इन्होंने बोला कि पुराने टाइम पे जो डिस्प्यूट छिड़ा था वो छिड़ा था आपका शंकरी प्रसाद के केस में, सज्जन सिंह के केस में, गोलकनाथ के केस में। हिस्ट्री ऐसी है इसकी कि गोलकनाथ के बाद केशवनंदन भारती आया था जो 1973 में आया था, जिसके अंदर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज अंडर चैलेंज। दैट मींस 1971 में अमेंड हुआ तो उससे बाद केशवनंदन भारती ने सेटल कर दिया। अब पहले से डिस्प्यूट क्या था शंकरी और सज्जन के केस के अंदर बिफोर 1965 ऑफ योर गोलकनाथ केस, इन्होंने ये बोला कि जो अमेंडेड लॉ है ना वो आर्टिकल 13 के फ्रेज में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ठीक, आर्टिकल 13 का जो फ्रेज वर्ड लॉ है उसमें अमेंडेड लॉ नहीं आएगा, बाकी सारे लॉज आ जाएंगे। इसको गोलकनाथ ने हटा दिया। हटाने के बाद एक डॉक्ट्रिन लेट डाउन कर दी, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग, कि जो पिछला हो गया उसको आप नहीं ओपन कर सकते, लेकिन आज से ये चीज अमेंडेड लॉ में आएगी, लेकिन इफ्स एंड बट्स के साथ चेंजेस कर दी। केशवनंदन भारती ने इसको सेटल कर दिया कि एनी लॉ विच इज अमेंडेड एज पर 368 विच डील्स विद स्पेशल मेजोरिटी केसेस वो भी इंक्लूड होंगे, इसके अलावा सिंपल मेजोरिटी के केसेस भी इंक्लूड। इस चीज को हमने सेटल कर दिया, तभी लिखा ना बच्चे नथिंग इज देयर अंडर नथिंग शैल अप्लाई ऑफ द रूल्स ऑफ आर्टिकल 13 अंडर आर्टिकल 368। इसका क्या है कि दोनों जगहों पे वो कहते हैं 368 की एप्लीकेबिलिटी यहां नहीं आएगी और आर्टिकल 13 में 368 नहीं लगेगा। इसका सिंपल रीजन ये था कि अमेंडेड लॉ को हमने इंक्लूड कर दिया, चाहे वो स्पेशल मेजोरिटी से है चाहे वो सिंपल मेजोरिटी से। देन आया आपका 14 से 18 एक मेजर चंक आपके केसेस को कवर करता है। वो जो 14 से 18 है आर्टिकल्स उसमें राइट टू इक्वालिटी रिजर्वेशन कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिजर्वेशन पे एसेज भी बहुत लिखने को आते हैं और रिजर्वेशन के ऊपर आपको आर्टिकल राइटिंग भी आती है। ठीक है, एंड दैट इज द मोस्ट डिबेटेबल टॉपिक जो आपके इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14 को, दो फ्रेजेस, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस का क्या मतलब है? हम एक सोसाइटी ऑफ इक्वल्स बनाएंगे, उस इक्वल्स के अंदर हम इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स लगाएंगे। ठीक है, इक्वल्स अमंगस्ट इक्वल्स हैज टू बी ट्रीटेड इक्वली, इक्वल्स अमंगस्ट अनइक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। ठीक है, उन केसेस के अंदर इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब लोग इक्वल, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, लॉज सबके ऊपर इक्वली लगेगा। बेस्ट एग्जाम्पल, एनी वन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस इन द इंडियन टेरिटरी, आईपीसी विल बी एप्लीकेबल, बीट इंडियन सिटीजन, बीट एनी वन हु इज अमेरिकन नेशनल, फॉरेन नेशनल, एनी वन एल्स। ये क्या कह रहा है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, जहां पे हम लोगों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज कि हम सबको इक्वली ही ट्रीट किया जाए। ठीक है,
ठीक है, देन तीन डॉक्ट्रिन्स इसके अंदर, रूल ऑफ लॉ, रीजनेबल क्लासिफिकेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। रूल ऑफ लॉ अभी समझाया हमने कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स, ग्राउंड्स हैव बीन मेंशन अंडर आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, कास्ट, इन सब पे आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। देन आपका आया रीजनेबल क्लासिफिकेशन, इसके अंदर एक टेस्ट लेट डाउन किया जाता है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब कि जब आप डिफरेंट कर सकते हो, डिफरेंस में क्रिएट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सम साउंड प्रिंसिपल्स, दैट इज नोन एज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। ये साउंड प्रिंसिपल्स हैं, रैशनल प्रिंसिपल्स हैं, उसके बेसिस पे हम लॉ को डिवाइड कर सकते हैं। लाइकवाइज बेस्ट एग्जाम्पल इज माइनॉरिटी मेजोरिटी। माइनॉरिटी एज इज 18 years, लेस देन 18 years, एंड मेजोरिटी एज इज अबव 18 years और 18 years। सो ये जो है, क्या ये इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पे बेस्ड है? द आंसर इज यस, रीजनेबली क्लासिफाइड है। कुछ लॉज हैं जो 16-18 से नीचे पे लग रहे हैं, कुछ लॉज हैं जो 18 से ऊपर पे अप्लाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पे 18 से नीचे वाले लोगों के लिए हमारे पास प्रिविलेजेस हैं, इम्यूनिटीज हैं, ठीक है। देन आ जाओ 15-16 के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है, वो बात करता है आपकी protection of women and children. Any laws that have been enacted for the protection of women and children are because of Article 15 Clause 3. And the best example is FOXO, DV Act, Juvenile Justice Act. All these are the examples of Article 15 Clause 3. And the basic purpose of incorporating these laws is to prevent the destitution or the vagrancy of the children as well as of the women. Kyunki women earlier were considered to be the chattels and now they are. अब आ जाओ इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन पे। आर्टिकल 15 बात करता है कि किसी भी पर्सन को ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, जेंडर, योर रेजिडेंस, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। नॉर्मली विमेन एंड चिल्ड्रन के रिगार्डिंग हम लॉ बना सकते हैं जो इनको वायलेट करे, लेकिन एज अ जनरल रूल हम कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना, जहां पे हम पब्लिक शॉप्स में उनको एक्सेस ना दें, जहां पे हम कहीं ना कहीं पे कोई भी एंटरटेनमेंट पर्पसेस के एरियाज हैं, हम वहां पे उनको एक्सेस ना दें, ऐसा अलाउड नहीं। 16 बात करता है स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी कि जब हम इक्वालिटी देंगे, हम इक्वालिटी ऑफ स्टेटस भी देंगे, हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी देंगे। जब ये दोनों चीजें देंगे तो इसके अंदर हम किसी भी पर्सन को जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको भी हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। बट इसके अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, कैरी फॉरवर्ड रूल, कंसिक्वेंशियल सीनियोरिटी, प्लस जितने भी आपके आर्टिकल 16 क्लॉज 4, 4A, 4B इनकॉर्पोरेट हुए, इन सब में प्रोविजंस में क्या क्या चेंजेस हैं। सबसे पहले आपका केस आता है टी देवदसन का केस, जो रिजर्वेशन कंसेप्ट पे उससे पहले भी है, बालाजी का केस है, स्टेट ऑफ मैसूर का केस है, ये सारे केसेस हिस्ट्री ट्रेस करते हैं कि जी रिजर्वेशन सिस्टम चला क्यों, व्हाट वाज द नीड। As you all know, the father of the Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar, was from a Dalit community. He was from a downtrodden community. And the way he had studied by undergoing certain struggles, uske karan unhone kuch rules and regulations diye, so that only for certain time period, hum at par karne ke liye, ek general category ke person ke saath, unko equal footing pe lane ke liye, hum kuch reservations unko denge, in terms of their employment and other activities. उस केसेस के अंदर हमने उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। जब वो रिजर्वेशन दी, दैट रिजर्वेशन वाज एक्चुअली मेंट फॉर दोज पीपल जिनको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे, ठीक है। ग्रेजुअली इस चीजों के ऊपर केसेस आने लगे और इंप्रूवमेंट्स हुई। वो कहते हैं जी 50%, 30%, 80% हम ऐसे ऐसे रिजर्वेशन दे देंगे। रिजर्वेशन का सोर्स क्या था? क्वांटिफिएबल डाटा। क्वांटिफिएबल डाटा में स्टेट्स को डाटा भेजना पड़ता था प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट फिर डिक्लेयर करता था कि ये कास्ट जो है एससीज हैं, एसटीज हैं, ओबीसीज हैं, बीसीज। अब इसमें लैंडमार्क केस आया आपका इंदिरा सहनी का केस, पॉपुलरली नोन एज बंडल कमीशन केस, 1992 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में दो चीजें बड़े आराम से हेल्ड हुई। वन वॉज दैट 50% सीलिंग वॉज फिक्स्ड कि अगर आपको रिजर्वेशन देनी है तो 50% आप रिजर्व्ड कम्युनिटी, 50% आप जनरल कम्युनिटी दोगे, और क्रीमी लेयर आप अप्लाई नहीं करोगे एससीज के अंदर, बाकी सब में क्रीमी लेयर का फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। क्रीमी लेयर का क्या मतलब है बच्चे? कि हम लोगों ने देखा कि इस कम्युनिटी को हमने रिप्रेजेंटेशन दे दी, रिजर्वेशन दे दी,
बट इस कम्युनिटी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास सारी फैसिलिटीज हैं, लाइटनिंग फैसिलिटीज, योर एसी फैसिलिटीज, दे कैन स्टडी एंड दे हैव द रिसोर्सेज टू स्टडी. उनको हमने एक्सक्लूड कर दिया, कुछ एक लिमिट फिक्स कर दी कि जी अगर इनकी इनकम इतनी है तो इस इनकम के बियॉन्ड जो है उससे नीचे वालों को हम एनुअल इनकम पे हम इनको रिजर्वेशन. दैट वाज अ सेटल्ड प्रिंसिपल हुआ. देन आफ्टर दिस इंदिरा सानी जजमेंट देयर वाज दिस एम नागराज जजमेंट. एम नागराज के केस में भी इस चीज को चैलेंज किया गया. उसके अंदर ये देखा गया कि जब आप किसी रिजर्व्ड कम्युनिटी को लेके आते हो बिकॉज दे रिक्वायर लेस नंबर ऑफ मार्क्स, कहीं ना कहीं पे क्या एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं फर्क पड़ जाएगा? उसको आपको चेक करना पड़ेगा. क्वांटिफिएबल डाटा लेके आओ आप क्वालिटी के बेसिस पे. जो आप ये कह रहे हो कि जी इतने इतने लोग हैं इन सबको रिजर्वेशन दे दो, आप ऐसे नहीं कर सकते बिकॉज इट कैन ओवरऑल इम्पैक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. तो एम नागराज ने ये चीज लेट डाउन करी कि आपको जब भी स्टेट्स को ये देखना है कि इन इन कम्युनिटीज को रिजर्वेशन देनी है तो उस केसेस में सबसे पहले जरूरी है कि जो क्वांटिफिएबल डाटा है वो साउंड बेसिस पे कलेक्ट किया जाए, प्लस ओवरऑल एफिशिएंसी कहीं पे इफेक्ट नहीं होनी चाहिए. फिर आई आपकी अशोक कुमार ठाकुर की जजमेंट, जहां पे जजमेंट में जो चीज हेल्ड हुई वो सबसे इंपॉर्टेंट ये हेल्ड हुई थी कि द रिजर्वेशंस विल ऑलवेज हैव द बूमरहैंगिंग इफेक्ट. क्यों? जब तक हम उन लोगों को नीची नजर से देखते रहेंगे रिजर्वेशन इन इंडिया कभी खत्म नहीं हो सकती. हमें एक म्यूचुअल टॉलरेंस, म्यूचुअल कोहरेंस डेवलप करना पड़ेगा इनके साथ, हमें इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट देना पड़ेगा. और ये अशोक कुमार ठाकुर की जजमेंट आई थी. इसके बाद आई आपकी जरनैल सिंह की जजमेंट. जो जो इम्पोर्टेंट है वो ये, वैसे तो बीके पवित्रा भी आई थी बट दिस जरनैल सिंह जजमेंट इज इम्पोर्टेंट. एज पर दिस जरनैल सिंह जजमेंट हुआ क्या, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन पास की कि ठीक है जी आप ओबीसीज बीसीज इन सबको जो कैटेगरी दे रहे हो अब एससीज के लिए भी ना क्रीमी लेयर इंक्लूड कर दो, विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल 2018-2024. इट हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट कंसर्न. Then again the Jarnail Singh judgment came in 2022 or 2023. उसमें भी यही चीज को किया गया कि जी जो उन्होंने बोला था उसी चीज को incorporate करना चाहिए. उससे पहले आपकी केस आया था मराठा रिजर्वेशन पे, और मराठा रिजर्वेशन का केस 2020 सुप्रीम कोर्ट जो शिवराज पाटिल का केस था उस केस में वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में उन्होंने मांगी थी मराठा रिजर्वेशन विच इज बियॉन्ड 50%. Then the Supreme Court said कि जी आप बॉम्बे हाई कोर्ट ने अलाउ किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया कि ऑलरेडी मराठा कम्युनिटी एज पर द पॉपुलेशन बेसिस जितनी है वो सफिशेंट है, इससे ज्यादा रिजर्वेशन इलीगल हो जाएगा. ठीक है, लेकिन अभी रिसेंटली अगेन द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड विद प्रोवाइडिंग 10% एडिशनल रिजर्वेशन टू द मराठा. रिसेंटली वॉज इन न्यूज. ठीक है, अब ये रिजर्वेशन में दो कंसेप्ट, कैरी फॉरवर्ड रूल, कंसिक्वेंशियल सिनेरियो. इनिशियली जब रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई थी वो सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट्स में की गई थी. इसके बाद वो कहते हैं प्रमोशंस में हम कुछ नहीं देंगे, प्रमोशंस में ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट हम अपने आप प्रमोट करते चले जाएंगे. बट इन्होंने बोला कि नहीं जी हमें तो प्रमोशंस में भी रिजर्वेशंस चाहिए, जिसके ऊपर इन्होंने गवर्नमेंट ने अप्रूव किया. अप्रूव करने के बाद कंसिक्वेंशियल सीनियोरिटी का कंसेप्ट आया. कंसिक्वेंशियल सीनियोरिटी का मतलब कि वो पर्सन जो प्रमोशंस में भी रिजर्वेशन ले रहे हैं वो अगर एक जनरल कैटेगरी से ऊपर पहुंच गए ऑन द बेसिस ऑफ प्रमोशन बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन, तो फिर उनको वो वाले बेनिफिट्स अक्रू होंगे जो उनकी रिटायरमेंट पे होंगे, जो एक नॉर्मल सिटीजन को अगर वो रिजर्वेशन ना लेते तो शायद ना मिलते. इसको बोलते हैं कंसिक्वेंशियल सीनियोरिटी. मीन्स एज अ रिजल्ट ऑफ योर सीनियोरिटी यू आर गेटिंग those benefits which because of the reservations and promotions you are getting. Carry forward rule kya hua? Normal ceiling kya thi? 50%. Ab wo kehte hain anticipated vacancies, backlog vacancies. Us backlog vacancies aur anticipated vacancies ke upar unhone kya bola ki ji ye jo aapki vacancies hain isko agar hum aage additionally leke jaye ye to 50% ki ceiling khatam kar denge. वो कहते हैं पिछले 3 साल की वैकेंसीज को आप इकट्ठा क्लब टुगेदर कर सकते हो जो इस साल की वैकेंसी से अलग कंसिडर की जाएंगी, जिसको आप अंडर द कैटेगरी एंटिसिपेटेड या बैकलॉग वैकेंसीज रखोगे, और वो इन टोटो 50 से ऊपर एक्सीड नहीं करनी चाहिए. तो लास्ट के 3 सालों की वैकेंसी, इस साल की वैकेंसी, इस साल की वैकेंसी को उसके साथ क्लब टुगेदर नहीं कर सकते, ये इस साल की निकलेगी. जो पिछली फिल नहीं हो पाई पोस्ट उन सबको इकट्ठा लास्ट के 3 साल का मिला के आप उसको एड. ठीक है जी, दिस वॉज मेजरली अंडर आर्टिकल 60.
1718 talks about, 17 talks about the untouchability. Untouchability के अंदर आपका law बनाया गया है Parliament ने, Untouchability Act. उसके basis पे अगर कोई भी ऐसा person कुछ भी ऐसे offence करता है जो untouchability को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, वो वहाँ पे punishable होगा. And इसकी एक judgment थी आपकी Sabarimala case, जिसके अंदर आपके present CJIG ने ये बोला था that women are treated as untouchables which should not be there. It is a direct violation of Article 17 with regard to Sabarimala. Then came is your Article 18. Article 18 talks about the abolition of titles. Titles की abolition का मतलब कि आप बिना permission के government के राजा महाराजा queen empress ऐसे titles नहीं ले सकते. With regard to Padma Bhushan क्योंकि वो government ही confer करती है, वो आपको allowed है. ठीक है, list अभी की presently पढ़ लीजिएगा, किस किस को Padma Bhushan मिला, ये पद्मश्री मिला, ये list आपके पास तैयार होनी चाहिए जो present list. ठीक है, नाउ कम टू आर्टिकल 19, जिसके अंदर कितनी फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम्स दी गई हैं. दे आर सिक्स फ्रीडम्स. वो सिक्स फ्रीडम्स किस चीज की बात करती हैं आपकी, अभी देखिए. ठीक है, एक एक केस लिख लीजिए. मैंने आप लोगों को लिखवा रखा है वेडनेसबरी प्रिंसिपल. आर्टिकल 14 में आता है, इंग्लिश केस है, एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउस लिमिटेड का केस है ये, वेंसबरी प्रिंसिपल. वेडनेसबरी प्रिंसिपल दैट वाज डेवलप्ड इन एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउस लिमिटेड वर्सेस वेडनेसबरी कॉर्पोरेशन. ठीक है, आर्टिकल 14 का केस है, बस इतना ध्यान रखना है आप. लिख लिया सबने? अब इसके बाद नया आर्टिकल, दैट इज योर आर्टिकल 16 क्लॉज 5, जो EWS को 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है. व्हाट आर EWS? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस. तो क्या ये SEBCs की कैटेगरी में आते हैं? द आंसर इज यस. सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड प्लस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, सब लोग आर्टिकल 46 का जो फ्रेज है वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में कवर होते हैं. ठीक है, जनरली पहले SEBCs के लिए बनाई गई थी रिजर्वेशन, अब EWS को भी 10% रिजर्वेशन जो है दी जाती है, बट EWS में क्रीमी लेयर इज एप्लीकेबल. अब इसके बाद दिस इज योर अनदर केस व्हिच इज नोन एज योर जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इट इज अभियान, नॉट अभितान. अभियान का केस जो हमने पढ़ा है, जो EWS के ऊपर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, जो 10% रिजर्वेशन दी गई है EWS को, वो यहीं पे दी गई है. ठीक है, चलें आगे. आर्टिकल 19 सिक्स राइट्स की बात करते हैं. ये जो सिक्स राइट्स हैं वो क्या हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, देन फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, फ्रीडम टू कैरी ऑन बिजनेस, ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, एंड चार हुए ना ये, फ्रीडम सॉरी टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन. लेकिन क्या ये सब फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट हैं? द आंसर इज नो. दे आर कमिंग विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. दैट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट एंड सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी. ठीक है, देन दो तीन केसेस और, ये तो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ, इसके अलावा भी हम केसेस पढ़ेंगे. पहली चीज आपकी राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या आती हैं, कि क्या हम लोगों के पास राइट जो है वो किसी भी तरीके का, कैसा भी राइट है जो हम बोल सकते हैं? हेट स्पीचेस अगर हमें देनी है, क्या हमारे पास राइट है? राइट ऑफ स्पीकिंग या हेट स्पीच, इज इट अ राइट कवर्ड अंडर आर्टिकल 19(1)A? श्योर? हेट स्पीच, व्हाट इज हेट स्पीच? इट्स नॉट जनरली सेडिशन, देयर मे बी फेयर क्रिटिसिज्म आल्सो.
hate speech is a part of fundamental right of article 19(1)(a) that is freedom of speech and expression but उन हेट स्पीचेस के अंदर ये देखना है कि whether it is leading to the sedition or not, वो फिर हम बाद में चेक करें. Whatever you want to express, you can express in that manner. Bennett Coleman का केस है, इसके अंदर आपके newspapers के बहुत सारे केस हैं, जिसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि जी अगर पब्लिकेशन की बात आए तो newspaper और जो प्रेस है जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है उसके पास फ्रीडम ऑफ पब्लिकेशन होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन होनी चाहिए एंड फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सके. अगर आपने इन तीन फ्रीडम्स पे कहीं ना कहीं पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो वो आपका डायरेक्ट वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आ जाएगा. जितने भी मीडिया ट्रायल्स हुए हैं, ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज हुई हैं, जैसे के ए अब्बास का केस पढ़ते हैं जहाँ पे ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज की जाती हैं, थिएटर परफॉर्मेंसेज की जाती हैं, आंट दे द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? द आंसर इज यस, दे आर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. Yes, defamation. That is related to defamation and other aspect. वो तो रहेगा ही रहेगा. इसके बाद आ जाइए आपके इसके अंदर जो cases हैं, आप पहले वो फिर उसके बाद ये कुछ आपके maxims discuss करें. जो right to strike है, question ये पूछा जाता है whether right to strike is a fundamental right, is it a legal right, or both or none. As per the Industrial Dispute Act, it is a legal right. Fundamental right to hai nahi. Whether the lawyers has a right to go on strike. Illegal. They have a right to go on strike? No. No. But do they go for strike? Yes. That is known as partial or token strike. For the violation of? अब इसके अंदर एक केस है आपका एक्स कैप्टन हरीश उप्पल का केस, जिसके अंदर कोर्ट ने अलाउ किया दैट द लॉयर्स कैन गो इन फॉर पार्शियल और टोकन स्ट्राइक बट दे डू नॉट हैव अ राइट टू गो इन फॉर स्ट्राइक. इसके बाद राइट ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, क्या ये भी आपका राइट जो है वो यहाँ पे अंडर आर्टिकल 19 कवर होगा? द आंसर इज यस. इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, वो भी आपका राइट कहीं ना कहीं पे यहाँ पे इंक्लूड होगा. जैसे आपके सोशल मीडियाज, योर रेडियोज, योर टेलीविजन्स, ऑल दीज आर व्हाट दे आर एक्सप्रेसिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. अब आ जाइए ये दो मैक्सिम्स. वन इज लेक्स प्रोस्पिसिट नॉन रेसिपिसिट, दैट मीन्स लॉ लुक्स फॉरवर्ड नॉट बैक. ऑल्दो दैट हैज been read here, but it has relevance in all the other laws. आप लिख लो इसको, in case वो maxims में पूछ लें. Lex prosipicit and non recipicit literally means law looks forward, not back. That's written there. लिख लिया, ये सब आपके आएंगे आर्टिकल 20 में. अब आर्टिकल 20 पे आ जाए. आर्टिकल 20 के अंदर अगेन तीन प्रिंसिपल्स, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, डबल जियोपार्डी एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन. विद रिगार्ड टू 20 क्लॉज 1, जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज है वो क्या कहते हैं? व्हेन एन एक्ट वाज डन इट वाज नॉट एन ऑफेंस, लेटर ऑन इट हैज बीन मेड एन ऑफेंस, कैन यू बी मेड पनिशेबल फॉर द सेम? The answer is no. Ex post facto means जब एक act किया वो offence था ही नहीं और बाद में वो offence बना, तो आपको उस past act के लिए हम punish नहीं कर सकते. Double jeopardy means no man can be vexed twice for the same offence. That is what the maxim says. It is nemo debet bis vexari pro una etc. edebdam causa. और इसके अलावा no man can be vexed twice for the same offence. इसमें double jeopardy में हम दो और principles साथ में पढ़ते हैं. वो दो प्रिंसिपल्स जो हैं वो आपके प्रोसीजरल लॉ के प्रिंसिपल्स हैं. डबल जियोपार्डी के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें, पहली द पर्सन हैज बीन प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड, इफ यस देन फॉर द सब्सिक्वेंट ऑफेंस और सॉरी फॉर द सब्सिक्वेंट ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस ही कैन नॉट बी ट्राइड बिकॉज इट इज लीडिंग टू द वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट.
बट सपोज अगर वो प्रोसिक्यूट हुआ था और एक्विट हो गया तो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में कवर नहीं हो रहा है, फिर वो 300 सीआरपीसी में कवर होगा अगर क्रिमिनल केस है। और अगर हमें मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को बचाना है कि हमें दोबारा दोबारा ये सूट डल रहा है तो सेक्शन 11 में बार होगा। तो डबल जियोपार्डी के साथ सेक्शन 11 सीपीसी एंड सेक्शन 300 सीआरपीसी भी पढ़ोगे। सेक्शन 300 सीआरपीसी किस चीज पे बेस्ड है? प्रिंसिपल इज एट्रोफो इज एक्विट एंड एट्रोफो इज कन्विक्ट, मींस वंस एक्विटेड और वंस कन्विक्टेड ही कैन नॉट बी ट्राइड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस, बट हियर इट सेज ओनली व्हेन देयर इज अ पनिशमेंट एंड प्रोसिक्यूशन। Then आ जाओ 20 clause 3 that deals with self-incrimination, which means what? That no one can be compelled to be a witness against himself or herself. अगर हुआ तो फिर वहां पे उसको इम्यूनिटी दी जाएगी, आपके टेस्ट उसको एडमिनिस्टर नहीं कराए जा सकते। कौन कौन से टेस्ट? नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर टेस्ट एंड बीप टेस्ट, skull superimposition test, gait test, various other tests, means all the scientific test. However, CRPC के हिसाब से DNA test जो हैं वो लिखा गया है examination of an accused, but criminal law में forcefully कराया जा सकता है, civil law में forcefully नहीं कराया जा सकता। इसके ऊपर दो landmark cases, Gautam Kundu versus State of West Bengal, जो कहता है blood samples बिना consent के नहीं ले सकते, और अगर आपने लिया valid नहीं हो। Then came another landmark judgment, that is Selvi versus State of Karnataka. उस Selvi versus State of Karnataka में उन्होंने बोला कि आप कोई भी samples regarding the scientific test बिना consent के नहीं ले सकते। अगर आपने बिना consent के लिया तो वो test valid test नहीं होंगे, लेकिन discovery अगर उस test से हुई है तो under section 27 of the Indian Evidence Act discovery के लिए वो relevant हो जाएंगे। अब आ जाओ article 21, that is your basic right. पहली चीज article 21 में right to die. दो केसेस, पी रतनम एंड ज्ञान कौर, देन अरुणा शोनबाग्स केस। पी रतनम का केस 1992 आई थिंक आया या 1994 का केस है, 1994 में पी रतनम का केस आया। उस केस के अंदर इन्होंने बोला that right to die is a fundamental right, because we have a right to life जो fundamental right है, तो राइट टू डाई भी फंडामेंटल राइट है। जैसे हमें जीने का हक, वैसे हमें मरने का भी हक। इस चीज को विद इन अ स्पैन ऑफ 2 इयर्स ज्ञान कौर के केस में ओवर रूल किया गया 1996 सुप्रीम कोर्ट। वो कहते हैं सेम नहीं हो सकता, राइट टू डाई इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एंड इट इज सेटल्ड हिदरटो। हाउएवर अरुणा शोनबाग के केस में कंसेप्ट आया यूथनेसिया का कंसेप्ट, मर्सी किलिंग का कंसेप्ट। उसके अंदर एक था एक्टिव यूथनेसिया, एक था पैसिव यूथनेसिया। एक्टिव यूथनेसिया तो आज भी लीगलाइज्ड नहीं है, पैसिव यूथनेसिया को हमने लीगलाइज किया। कैसे किया? व्हेन अ पर्सन इज इन अ वेजिटेटिव स्टेट फॉर सो मेनी इयर्स, उसके बाद भी अगर उसके चांसेस ऑफ रिकवरी है ही नहीं, तो फिर आपके डॉक्टर्स प्लस द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और द अदर टू रिप्यूटेड हाई सीनियर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द डॉक्टर्स ऑफ नंबर इन 3, इन टोटल 5 की एक कमेटी बैठेगी। वो डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे कि जी क्या हम इन पर्संस को जो जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे हैं, अगर हमने लाइफ सपोर्ट सिस्टम विड्रॉ कर लिया तो क्या ये वैलिड है या नहीं है। अगर वो अलाउ करते हैं तो हम उनको विड्रॉ करके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को डेथ देते हैं, और वो जो डेथ है वो इसलिए है कि ताकि उसकी जो पेन वगैरह से वो सफ़र कर रहे हैं उससे उनको रिलीज किया जाए। एंड दैट वॉज लेड डाउन इन अरुणा शोनबाग्स केस 2011, दैट बिकेम द लैंडमार्क केस फॉर यूथनेसिया। देन केम Common Causes a Registered Society versus Union of India 2018 Supreme Court, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि क्या हम एक living will बना सकते हैं? The answer is yes. वो कहते हैं अगर कोई चाहे तो मरने से पहले जब भी वो अपनी will बनाएगा तो वो ये बोल सकता है कि इनकेस अगर मेरा कोई accidental कुछ ऐसी चीज़ हो जहाँ पे मेरे को life support system पे रखा जाए और मेरा religion ये मुझे allow नहीं करता, तो मुझे वहाँ पे release कर दिया जाए, मुझे उस cases के अंदर वहाँ पे life support system पे ना रखा जाए। बट इसके लिए ट्रेनिंग दी जानी चाहिए प्रॉपरली एडवोकेट्स को, ताकि वो प्रॉपरली आपकी विल बना सके। एज सच इट सीम्स टू बी मिसयूज्ड एंड दैट इज व्हाई इट हैज नॉट येट बीन इनकॉर्पोरेटेड प्रॉपरली इन आर इंडियन सिनेरियो। देन केम इज योर आर्टिकल 21 पे ही बहुत सारे केसेस। आर्टिकल 21 का एंड अदर केसेस विद रिगार्ड टू राइट टू कस्टोडियल डेथ। अब अगर कस्टोडियल वायलेंस है, कस्टोडियल डेथ है, तो नीलावती बेहरा का केस वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा लैंडमार्क। देन
गाइडलाइंस रिगार्डिंग अरेस्ट कि व्हेन अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड, हाउ ही कैन बी अरेस्टेड, डीके बासु, जोगिंदर कुमार, ये सब केसेस हैं आपके. देन राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरमेंट, ऑल दी एमसी मेहता केसेस, ठीक है. राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू लिव विद द डिग्निफाइड लाइफ एंड विद द लाइवलीहुड, राइट टू अर्न द लाइवलीहुड, ऑल दीज आर योर राइट टू लाइफ अंडर योर दिस आर्टिकल 20. Article 21 deals with two phrases, right to life and personal liberty. Now, when we say personal liberty, which means liberty is freedom. Personal liberty means hum logon ko right hai, we can move anywhere jahan pe hum chahe. But uske liye kya hamari jo movements hai, unko curtail kiya ja sakta hai? Yes, by way of chapter 5, arrest CRPC, jahan pe hum legally unko curtail kar sakte. Iske ilawa jo article 21 hai, uske andar aata hai aapka मेनका गांधी का केस. मेनका गांधी के केस के अंदर वो क्या बोलते हैं कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के हिसाब से ही आपको रोका जा सकता है, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जा सकती है. लेकिन अगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ नहीं है तो वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो वैलिड नहीं है, एंड दैट इज वाई यू कैन नॉट बी स्टॉप. आपका एक पासपोर्ट केस आया था जो कि सतवंत सिंह सहानी का केस था. मेनका गांधी नहीं है पासपोर्ट के ऊपर, मेनका गांधी का तो सेकंड केस है. जो फर्स्ट केस पासपोर्ट केस आया था वो है सतवंत सिंह सहानी का केस. मेनका गांधी के पासपोर्ट को सीज किया गया था, बट देन शी सेड कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के हिसाब से सीज नहीं किया गया. सो मेनका गांधी इज अ लैंडमार्क जजमेंट ऑन द फ्रेज प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, इवन दो द केस रिलेट्स टू द कन्फिस्केशन ऑफ हर पासपोर्ट. हाउएवर द फर्स्ट केस इज सतवंत सिंह. अनदर केसेस इज रिगार्डिंग आर्टिकल 21, कुछ मैं भूल रही हूँ तो एक और चीज, आर्टिकल 14 के अंदर इक्वालिटी इज एंटीथीसिस टू आर्बिट्रेरीनेस, ये भी आपकी ईपी रॉयप्पा के केस में हेल्ड हुआ था और मेनका गांधी के केस में, ठीक है. इक्वालिटी इज एंटीथीसिस टू आर्बिट्रेरीनेस मींस डायमेट्रिकली ऑपोजिट है. इक्वालिटी जहां होगी वहां आर्बिट्रेरीनेस नहीं होगी. नेक्स्ट आ जाइए इसके बाद, एके गोपालन और के एस पुट्टा स्वामी करते हैं. ईपी रोयप्पा, ईपी रोयप्पा. अब आ जाइए आर ओ वाई ए डबल पी ए. अब आ जाइए आप लोग आपके के एस पुट्टा स्वामी की जजमेंट में. के एस पुट्टा स्वामी की जजमेंट 2017 की जजमेंट है. उससे पहले राइट टू प्रिवेसी वॉज नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इवन एज पर द जजमेंट्स, नॉट अ फंडामेंटल राइट. कामेश्वर प्रसाद का केस हुआ था, बहुत सारे केसेस आए, लेकिन राइट टू प्रिवेसी को उन्होंने फंडामेंटल राइट डिक्लेयर नहीं किया. उन्होंने कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस लगा दी. जैसे कामेश्वर प्रसाद के केस में क्या बोला कि जी डोमिसिलरी विजिट्स जो आप करते हो, जो डिटेनीज होते हैं या जिन पे शक होता है लोगों पे, आप उनके घर पे रात को भी जो है विजिट्स कर लेते हो, वो जस्टिफाइड नहीं है. एक रीजनेबल टाइम में आप विजिट करो, वो तो हेल्ड कर दिया. खड़क सिंह का केस, सॉरी खड़क सिंह वर्सेज दिस, कामेश्वर प्रसाद वॉज ऑन लैंड लॉस. तो इस केस के अंदर ये हेल्ड हुआ, प्लस इसके बाद आया के एस पुट्टा स्वामी की जजमेंट जिसमें एक्सप्रेसली ये लेट डाउन कर दिया कि टेकिंग एनी बायोमेट्रिक इंप्रेशंस एंड अगेंस्ट द पर्सन्स कंसेंट एंड फॉर द मिसयूजिंग इज अगेंस्ट योर प्रिवेसी, एंड दैट इज वेयर इट हैज बीन एक्सप्रेसली लेट डाउन दैट वेदर राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट. द आंसर इज येस, एज पर 2017 जजमेंट इट इज देयर. Yesterday also we were dealing with this R.M. Alkhani's case, tape recorded. तो अगर इसके अंदर हम बात करें तो right to privacy की infringement है, but because it is an old case of 1973, they said नहीं, अगर relevance है इसकी तो हम इसको admissible मानेंगे, but अभी के लिए आप ऐसे नहीं कर सकते. It amounts to right to infringement of your privacy rights. Clear है? Next आ जाओ इसके बाद, Article 21 में बहुत सारे और rights हैं, right to speedy trial, right to have to be heard, right to be given the principles of natural justice. ये सब आपके यहीं पे आ जाएंगे. राइट अगेंस्ट द इनह्यूमन ट्रीटमेंट अगर आप करते हो, चार्ल्स ओब्रास का केस है तो आर्टिकल 21 की वॉयलेशन होती है. ये सब आर्टिकल 21 में आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया. आर्टिकल 22 बेसिक आर्टिकल दैट डील्स विद डिटेंशन एंड अरेस्ट, ये सब इनकॉर्पोरेटेड है आपके चैप्टर 5 सीआरपीसी में कि अगर आज किसी पर्सन को अरेस्ट किया है अभी से 24 घंटे के अंदर अंदर उसको हम प्रोड्यूस करेंगे बिफोर द इलाका मैजिस्ट्रेट. और अगर उसको डिटेन करना है तो जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है एज पर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, हम उस लॉ के हिसाब से उसको वहां पे डिटेन करके रखेंगे. अगर पार्लियामेंट को 3 महीने से भी ज्यादा डिटेन करना है उस पर्सन को एज पर द लॉ,
तो वो ओपिनियन लेगा एडवाइजरी बोर्ड का, बट ही इज नॉट सॉरी द पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द ओपिनियन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड. सो डिटेंशन इज अप टिल 3 इयर्स, बट इट मे गो बियॉन्ड 3 इयर्स प्रोवाइडेड इट इज अ लीगल डिटेंशन. 3 मंथ्स सॉरी 3 मंथ्स इलीगल डिटेंशन है, और अगर वो इलीगल बनी तो हेबियस कॉर्पस जो है वो लग जाएगी. ठीक है, अब आ जाओ 23-24 आर्टिकल. 23-24 आर्टिकल डील्स विद व्हाट? 23 आर्टिकल 24 आर्टिकल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्स्ड लेबर, ये सब की बात करता है. बेगार है, फोर्स्ड लेबर है, उसके लिए आपका यहाँ पे बताया गया है मिनिमम वेजेस एक्ट, जो कि DPSP भी है और जो कि यहाँ पे भी इनकॉर्पोरेटेड है, कि हम किसी को भी फोर्स्ड लेबर नहीं करा सकते, बेगार नहीं करा सकते. बेगार मीन्स बिना पैसे दिए उससे काम नहीं करा सकते. जो उसका राइट है वो हमें देना पड़ेगा. अगर कहीं ना कहीं पे भी ऐसा कुछ हुआ तो आर्टिकल 23 की डायरेक्ट वायलेशन होगी. इसके ऊपर बहुत सारे आपके लॉस बने हुए हैं, लाइक वाइज मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, ये सब आपके लॉस 23 के बारे में. 24th, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इयर्स इन एन हजार्डरस एम्प्लॉयमेंट, ओनली विद रिगार्ड टू हजार्डरस एम्प्लॉयमेंट. अगर 14 साल के बच्चे से नीचे किसी को भी आप एम्प्लॉय करते हो, फंडामेंटल राइट की वायलेशन अंडर आर्टिकल 24. बट अगर वो हजार्डरस एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो वायलेशन नहीं हुई फंडामेंटल राइट. बट एज पर द चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट एक्ट, वहां पे सारी ऑक्यूपेशन 2016 से बैन कर दी गई है. कोई भी बच्चा जो 14 साल से नीचे है उसको आप किसी भी ऑक्यूपेशन में, चाहे वो नॉन हजार्डरस ही क्यों ना हो, आप उसको एम्प्लॉय नहीं कर सकते. लेकिन वो 24 में नहीं आ रहा है, वो कहाँ आ रहा है? चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट एक्ट. क्लियर है? अब आ जाओ 25 से 28. एज पर 25 till 28 दैट डील्स विद द रिलीजन आर्टिकल्स. ठीक है, जैसे हम प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म पढ़ते हैं, यहाँ पे हम 25 से 28 में आपके रिलीजन की बात करते हैं. रिलीजन में स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, इट्स न्यूट्रल. रादर आप लोगों को खुद एक म्यूचुअल टॉलरेंस डेवलप करनी है, जहाँ पे आप प्रैक्टिस प्रोपोगेट वर्शिप कुछ भी कर सकते हैं. तो राइट टू वर्शिप इज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रोपोगेट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, देन योर राइट टू प्रोफेस इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट. इसके अंदर कुछ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, जो इसकी एक्सप्लेनेशन में मेंशन्ड है, जैसे वेयरिंग ऑफ द किरपांस. वो चीज़ को हम विद डिग्निटी हैंड ओवर करेंगे और वापस लेके आ सकते हैं, क्योंकि वो शार्प एजेड वेपन कंसिडर की जाती हैं. सो इसीलिए इन चीज़ों को आप ट्रैवल करते टाइम अलग से विद डिग्निटी हम लेंगे. दूसरी चीज वो कहते हैं कि जब आप एक्सप्रेस करोगे, आप अपनी बिलीफ एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट दैट बिलीफ शुड नॉट बी इन वायलेशन ऑफ द अदर राइट. अगर मैं आर्टिकल 25 से 28 को लिंक विद करूं आपके सेक्रिलेज से, आपके जितने भी ये रिलीजियस एस्पेक्ट्स ऑफ आईपीसी में ऑफेंसेस हैं, लाइक वाइज 153A, 153B, 153AA एंड देन 295A अप टिल योर 298 तक, ये सब रिलीजन से रिगार्डिंग ऑफेंसेस की बात करते हैं. जब भी हम प्रमोट करना चाहेंगे कोई एनिमिटी बिटवीन द रिलीजियस ग्रुप्स, आई कैन बी मेड लाइबल अंडर 153 अगर मैंने इम्प्यूटेशंस दिए ए में, या मैंने कहीं ना कहीं पे नेशनल इंटीग्रेशन के अगेंस्ट इम्प्यूटेशन दिए तो बी में, रेड विद आपका 295, 295A जहां पे मैंने प्लेस ऑफ वर्शिप को या मैंने कहीं और डैमेज करने की कोशिश की. देन 26 बात करता है रिलीजियस डिनोमिनेशंस की. रिलीजियस डिनोमिनेशंस कौन है? जैसे हमारे हिंदू लॉ में एज पर एनी सेक्शन ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द हिंदू लॉ, चाहे वो आपका हिंदू मैरिज है कोई है, वहाँ पे बोलते हैं रिलीजियस डिनोमिनेशंस वो हैं जो एक रिलीजियस ग्रुप हैं हिंदुओं के, जैसे आपके आर्य समाजीज, ब्रह्म समाजीज, योर लिंगियात, योर वैष्णवाज, और आपके जो ये था अयोध्या का केस, निर्मोही अखाड़ा, ये हिंदू रिलीजियस डिनोमिनेशंस थी आपकी. ये सब डिनोमिनेशंस को एक सेक्युलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने का राइट है. सेक्युलर मीन्स जहाँ पे ये सिर्फ रिलीजियस एस्पेक्ट में, चैरिटेबल एस्पेक्ट में एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो आपका राइट है 26 के ए में. तो रिलीजियस डिनोमिनेशंस चाहें तो एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर कर सकते हैं. 27 टैक्स की बात करता है कि जी टैक्स प्रमोशन के लिए हम नहीं लेंगे. प्रमोशन करनी है रिलीजन की, उसके लिए हम टैक्स जो है वो नहीं लेंगे. देन 29 और 30 इंपॉर्टेंट है. 29 और 30 बात करता है आपकी कल्चरल और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की. बट लैंग्वेज को प्रिजर्व करना सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी की ड्यूटी नहीं है. लैंग्वेज तो हम लोग भी, आप लोग भी, जो इवन मेजॉरिटी कम्युनिटी में है वो भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं. चाहे वो आपकी पंजाब की गुरमुखी स्क्रिप्ट हो, स्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व करना, चाहे वो आपकी देवनागरी स्क्रिप्ट है, एनी स्क्रिप्ट. एंड लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज को एक और राइट दिया है आर्टिकल 30 में,
that right is to establish their own educational institution, not for secular purpose, rather for the other purposes. Other purposes is education देने के लिए वो कर सकते हैं. उसके लिए अगर वो चाहें तो वो अपना कोई भी land purchase कर सकते हैं. Government उसमें ifs and buts नहीं लगाएगी. Plus जब भी वो affiliation लेंगे, क्योंकि उनका right to administer or establish educational institution is a fundamental right, and the right to get the affiliation also becomes a fundamental right. तो एफिलिएशन भी फंडामेंटल राइट है. इसके दो तीन केसेस, एक तो आपका भी माइनॉरिटी कैरेक्टर पे आपकी जजमेंट रिजर्व है, रीसेंट जजमेंट जो आपकी सुप्रीम कोर्ट की आएगी, वेदर द डिसीजन हैज बीन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन विद रिगार्ड टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यस और नो, यू पीपल आर नॉट रीडिंग, हैज द डिसीजन बीइंग पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हैज इट बीन रिजर्व्ड. बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑल दो वॉज एस्टैब्लिश पर सर सैयद अहमद खान, बट वो पार्लियामेंट के एक्ट से बनी थी. तो पुराना जो केस है एस अजीज बादशाह का केस, उसके अंदर वो कहते हैं कि एएमयू जो है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, उसका कोई माइनॉरिटी कैरेक्टर नहीं है, तो इसके कारण 100% रिजर्वेशन सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं दी जानी चाहिए. बट द जजमेंट हैज बीन रिजर्व्ड एंड वी हैव टू सी कि उस जजमेंट में अभी प्रेजेंटली क्या डिसीजन आया है. इसके बाद आपका टीएमए पाई फाउंडेशन का केस है, पीए इनामदार का केस है, जिसके अंदर आपका ये बोला गया है कि इनको राइट है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करने का और एफिलिएशन भी लेने का. ठीक है, माइनॉरिटी कैरेक्टर इंस्टीट्यूशंस. अब इसके बाद आ जाओ आपका बेसिक क्रक्स जो है वो है 32 पे. पहले 32 बात करता है रिट्स, पांच तरीके के रिट्स हैं, उन रिट्स के रिगार्डिंग हम बात करेंगे जो यहाँ पे आएगा आपका. These are the writs including habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto. These are the rights against which a mandamus cannot be issued against a private individual. What is mandamus? What is certiorari? That has been provided here. क्या सिर्फ आपके सुप्रीम कोर्ट को यही राइट है पांच रिट्स इश्यू करने का? The answer is no. They have wider rights, but only in case of violation of fundamental rights. Fundamental rights के लिए इन पांच रिट्स के साथ साथ दूसरी रिट्स भी इश्यू की जा सकती हैं. That may be any writs, that may be any orders that can be passed by the Honorable Supreme Court. Dr. B.R. Ambedkar has described Article 32 as the soul of Indian Constitution. ठीक है जी, 32 और 226 में wider कौन सा है? 226, because it talks about the violation of fundamental rights as well as the violation of legal rights, जिसके लिए writ issue कर सकता है कौन? High Court और यहाँ पे Supreme Court. अब आ जाओ 31 ABC and read with Articles 39 Clause B and C and your 300A. समझ में आया क्या क्या बोला? 31 ABC and 39 Clauses B and C and 300 Capital A. सुनो इसको ध्यान से. सिंस द बिगिनिंग 31 वॉज अ फंडामेंटल राइट दैट टॉक्स अबाउट द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड दे वॉन्टेड टू एंड द जमींदारी सिस्टम. दे वर अंडर दिस एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म्स. उस लैंड रिफॉर्म के केसेस में सरकार ने क्या करना शुरू किया कि जी आपकी प्रॉपर्टी को हम एक्वायर करेंगे, जो बहुत बड़े जमींदार हैं उनमें से आपको अपना जो खर्चा जो घर का चलेगा उतना छोड़ने के बाद हम आपके लैंड्स को, गवर्नमेंट कह रही है हम आपके लैंड्स को एक्वायर करेंगे बाय प्रोवाइडिंग द कंपनसेशन. जब वो कंपनसेशन हम देंगे आपको तो उस बेसिस पे वो लैंड्स जो हैं हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू द लैंडलेस फार्मर्स. किस लिए? सो दैट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ शुड नॉट बी इन वन हैंड एंड इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड सो दैट सोसाइटी कैन बी सर्व्ड एट लार्ज. अब इसके लिए 39 क्लॉज बी और सी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बोला कि आप आर्टिकल 14, आप आर्टिकल 19, आप आर्टिकल 31 को वोलेट कर सकते हैं. इसके बाद हमने आर्टिकल 31 को खत्म कर दिया और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने जो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 300A. ठीक है, उसके हिसाब से ये जो मैंने अभी आपको रूल बताया कि सरकार पब्लिक यूज के लिए प्रॉपर्टी एक्वायर करती है, इस डॉक्ट्रिन को बोलते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन. एमिनेंट डोमेन की डॉक्ट्रिन के हिसाब से जब भी सरकार को लगता है कि ये हमें प्रॉपर्टी चाहिए तो हम इसको यूज कर लेंगे. अब इसमें जो ह्यू एंड क्राई रेज हुआ वो ये हुआ कि जी ऐसे तो राइट ऑफ प्रॉपर्टी भी फंडामेंटल राइट था पहले और आप एक्वायर कर रहे हो वो भी फंडामेंटल राइट है, तो दोनों के दोनों फंडामेंटल राइट्स जो हैं एक दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट हैं, हाउ दे कैन स्टे टुगेदर. तो इसके कारण उन्होंने 19(1)(g) को, नहीं एफ को, हमने फ्रॉम द प्रॉपर्टी राइट लीगल राइट सॉरी फंडामेंटल राइट से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में लेके गए. दूसरी चीज 31 को हमने बाद में हटा दिया, लेकिन 31 ए बी सी तो अभी भी हैं जहां पे हमने वैलिडेशन की सर्टेन लॉस की
और उन लॉस को जब हमने बनाया, हमने उसको डाल दिया 9th शेड्यूल में। 31 बी कहता है कि जो भी लैंड लॉस 9th शेड्यूल में डल गए वो इम्यून हो गए जुडिशियल रिव्यू पे, जिस पे मैंने आपको केस डिस्कस किया था कि जी केशवंदन भारती ने बोला कि ना वो आपके रिव्यू से इम्यून नहीं है, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई भी लॉ जो लैंड लॉ बनेगा वो पहले एक टेस्ट पास करेगा, टेस्ट पास करने के बाद वो 9th शेड्यूल में जाएगा, और अगर वो 9th शेड्यूल में टेस्ट पास करने के बाद गया तो वो इम्यून हो जाएगा जुडिशियल रिव्यू से। 31 सी कहते हैं सुप्रीमेसी दे दी हमने डीपीएसपीज को ओवर द फंडामेंटल राइट्स। कौन से फंडामेंटल राइट्स? 14, 19, 31 किसको सुप्रीमेसी दे दी? सिर्फ 39 क्लॉज बी, 39 क्लॉज सी को, जो कहते हैं जस्टिफाइड है। इन्होंने बड़ी चलाकी से एक अमेंडमेंट पास करी, उस अमेंडमेंट में उन्होंने बोला दैट ऑल द डीपीएसपीज विल हैव सुप्रीमेसी ओवर द फंडामेंटल राइट्स, जिसको मिनर्वा मिल ने स्ट्रक डाउन कर दिया और बोला सारे डीपीएसपीज नहीं, सिर्फ 39 बी और क्लॉज सी जो है वो आपके सुप्रीम रहेंगे अगर वो आर्टिकल 14 या 19 को वोलेट करते हैं तो, सेटल लॉ ये आया। इसके बाद आपका जो 33, 34, 35 है दैट टॉक्स अबाउट द मार्शल लॉ, आर्म्ड फोर्सेस की प्रोटेक्शन मेंबर की, और 35 कहता है पार्लियामेंट जो चाहे वैसा लॉ बन सकता है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दीज आर योर रिट्स, रिट्स ध्यान रखिएगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? When a public spirited citizen who does not have a locus tendi files a case for the benefit of the society at large, this is known as your public interest litigation. ठीक है, कोई भी public spirited citizen, likewise your MC Mehta, superfluous with the environment cases, वो सब आपका public interest litigation में आ जाता है। Next आ जाइए अब DPSPs के ऊपर। As per your directive principles of state policy, दो चीजें ध्यान में रखिएगा। फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज जब इनकॉर्पोरेट हुए थे उसमें से एक को हमने बोल दिया था दैट दिस इज जस्टिशिएबल इन नेचर, व्हिच मींस इन केस फॉर द वॉयलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हम लोग यहाँ पे उसके अगेंस्ट केस डाल सकते हैं। लेकिन अगर डीपीएसपीज को वॉयलेट किया तो क्या उसके अगेंस्ट हम कोर्ट में जा सकते हैं? द आंसर इज नो, वो नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है। ठीक है, रीजन क्या है? अगर आप हिस्ट्री देखो तो ऐसा कोई रीजन नहीं डिफाइन किया गया। द ओनली थिंग इज कि उस टाइम पे आपके जो एक्सपेंसेस हुए थे 64 लाख रुपीस जो लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन पे, दैट वाज द मेजर कंस्ट्रेंट कि हम इनको बना नहीं पाए उस तरीके से। लेकिन अब इलीगली हमने इनको इनडायरेक्टली हमने इनको एनफोर्स करा दिया है। कैसे कराया है अब उसको चेक करिए। आपके जितने भी डीपीएसपीज हैं उसमें जो आपका आर्टिकल 37 है वो बात करता है थ्योरी ऑफ गाइडेड पावर्स की। थियरी ऑफ गाइडेड पावर्स का मतलब कि कुछ गाइडलाइंस लेड डाउन कर रखी हैं स्टेट के लिए, स्टेट उसी के हिसाब से लॉ बनाएगी, दैट इज 37। 38 की गाइडलाइंस क्या है? सोशल ऑर्डर, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये सारी जो है हम यहाँ पे इसको अलाउ करवाएंगे। तो इन केसेस के अंदर जो है वो आप ये देखेंगे कि जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, सोशल ऑर्डर्स हैं हमारे जो इक्वल, ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है ये सब यहाँ पे मैंशन की गई। देन 39 से लेके आपके जितने भी DPSPs हैं अप टिल 51, उसमें कहीं ना कहीं पे आपका बात करी जा रही है ये फ्री लीगल एड की, आपका असेस टू विलेज ऑर्गेनाइजेशंस, आपकी राइट टू वर्क की, असिस्टेंस की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री की, रेजिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एजुकेशन की राइट, वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ये सब वो किस लिए कह रहे हैं कि जी जब भी स्टेट एक लॉ बनाएगा तो स्टेट इन सारे रूल्स को ध्यान में रख के ही लॉ बनाएगा। अगर उसमें कहीं पे भी कोई भी वॉयलेशन होती है तो स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगा, अकाउंटेबल होगा। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जिनको हमने इनडायरेक्टली इनकॉर्पोरेट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल फ्री लीगल एड, डिस्ट्रिक्ट सर्विस लीगल अथॉरिटी एक्ट, ठीक है, उसके थ्रू हमने इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया। राइट टू वर्क, हमने एम्प्लॉयमेंट न्यूज निकाली उसके थ्रू कर दिया। देन विलेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने पंचायत निकाली। एनिमल हस्बेंड्री के लिए हमने काउ स्लॉटरिंग एक्ट और एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करने के लिए भी हमने बहुत सारे एक्ट्स निकाले। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मैनेज करने के लिए आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट निकाला। इसके अलावा आपका एजुकेशन के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट है आपका, प्लस फंडामेंटल राइट 21A में इनकॉर्पोरेट किया। देन आ जाओ आपका रेजिंग द लेवल ऑफ स्टैंडर्ड और न्यूट्रिशन, कैसे किया हमने? मिड डे मील स्कीम लगाई, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे इनको मेटर्निटी बेनिफिट रिलीफ देने शुरू कर दिए, इनके साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स को इंक्लूड कर दिया, गवर्नमेंट की स्कीम्स बनी। क्या कर दिया हमने? कहीं ना कहीं पे विच वर नॉन एनफोर्सिएबल इन नेचर हैव बीन मेड इनडायरेक्टली एनफोर्सिबल विद रिगार्ड टू योर प्रोटेक्शन ऑफ द
एनवायरमेंट एंड ऑल, उसके लिए भी हमने क्या कर दिया, वाइल्ड लाइफ एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, योर वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एक्ट इनकॉर्पोरेट किए, प्रमोशन ऑफ योर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, उसके लिए ट्रीटीज, कन्वेंशंस, आपकी बात करें इसकी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की, ये सब कहाँ से आए, यहीं से तो आए हैं, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में एक्सट्रेडिशन है, असाइलम है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें इनकॉर्पोरेट की। अब इसमें कुछ कुछ केसेस, पहला जो हम फंडामेंटल ड्यूटी के साथ बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो केस है आपका वो राजेंद्र शाह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 2021 सुप्रीम कोर्ट, जिसके अंदर उन्होंने ये बोला कि जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको हम पार्शली स्ट्रक डाउन करें, ठीक, पार्शली स्ट्रक डाउन किया है, 43B में कुछ नहीं हुआ है, 43B एज इट इज इंटैक्ट है, लेकिन जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कोऑपरेटिव सोसाइटीज आई थी, क्योंकि वो प्रॉपरली रेटिफाई नहीं करवा पाए हम स्टेट से, उसको हमने पार्शली स्ट्रक डाउन कर दिया, राजेंद्र शाह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। देन आपके डीपीएसपीस के अंदर आता है आपका इस्माइल फरूकी का केस, जहां पे स्लॉटरिंग के रिगार्डिंग हमने बैन किया, और अब तो हमारे यहाँ पे स्लॉटरिंग एक्ट्स भी हैं, हरियाणा के रिगार्डिंग भी एक एक्ट बना है, कौन सा एक्ट था वो जो लिखवाया हुआ मैंने तुम लोगों को, हरियाणा गौ रक्षा कुछ 2015 एक्ट है, उसको पढ़ के जाइएगा, बिकॉज हरियाणा में वो चीज आ सकती है, क्योंकि विच एक्ट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए आप, आपका आर्टिकल 50, जिसके ऊपर लैंडमार्क केस 2015 में पास हुआ था, वो है आपका सुप्रीम कोर्ट ऑन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेयर इन दिस एनजैक वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट ओनली ऑन द बेसिस दैट इट वायलेट्स आर्टिकल 50, दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो उसके हिसाब से लिखा गया क्या है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखना है, और हम एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस डाल रहे हैं, तो हमने इसको स्ट्रक डाउन किया, अभी भी हम रिटेन करके रखते हैं अपना कोलिजियम सिस्टम। आया समझ में, याद रहेगा। अब इसके बाद आ जाओ फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसमें नवीन जिंदल का केस, बिजो एमुल का केस, आपका ये श्याम नारायण चौकसी का केस, ठीक है, तीन केसेस। फंडामेंटल ड्यूटीज जो 11 ड्यूटीज हैं वो क्या डिस्क्राइब करती हैं बच्चे आप लोगों को, वो बता रहे हैं कि आपको अपनी लॉयलिटी शो करनी है टुवर्ड्स द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, आप अपना रिस्पेक्ट शो करोगे, आप ये इंसल्ट नहीं करोगे किसी ना किसी चीज़ की, कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग भी और इंडिया के रिगार्डिंग भी पेट्रोटिज्म दिखाओगे। इन सब में अगर आपने कुछ भी वॉयलेट किया तो पहला आपका केस आता है नवीन जिंदल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पे वो कहते हैं दैट आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप नेशनल फ्लैग को अगर बियर करते हो या होल्ड करते हो प्लैकार्ड्स के रूप में, यू कैन नॉट थ्रो दम हियर एंड देयर, इट शोज द डिसरिस्पेक्ट, और वो आप नहीं करोगे, अगर किया तो इट वॉयलेट्स योर द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट एंड ऑनर्स एक्ट, उसके बेसिस पे हम आपको पनिशेबल करेंगे। बिजॉय एमयूएल वर्सेज स्टेट ऑफ केरला का क्या केस था, इन दैट केस इट वॉज बींग हेल्ड कि जो आपकी जीवोहा विटनेसेस थी, एज पर द जीवोहा विटनेसेस उन लोगों ने नेशनल एंथम में लिपसिंग नहीं की थी, लेकिन वो खड़े हुए थे, जिसके कारण उनको स्कूल से रस्टिगेट कर दिया गया था। देन द सुप्रीम कोर्ट सेड कि दे वर नॉट एक्चुअली डिमीनिंग आर नेशनल एंथम, दे वर नॉट लिपसिंग एंड सिंगिंग बिकॉज दैट इज अगेंस्ट देयर रिलीजन, एंड दैट इज वाई इन्होंने डिसरिस्पेक्ट शो नहीं की थी, दे वर रीइंस्टेटेड। नेक्स्ट केस इज योर श्याम नारायण चौकसी केस, जहाँ पे सिनेमा हॉल्स में अब नेशनल एंथम को प्ले करना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है जी। अब आ जाओ इसके बाद, फंडामेंटल ड्यूटीज खत्म आपकी, अब आया आपका यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, ये थोड़ा स्पीड में ज़्यादा चलेगा। यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, यूनियन स्टेट एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एक तरफ, गवर्नर दूसरी तरफ, जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है उनको अपॉइंट कौन करता है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। प्रेसिडेंट को कैसे अपॉइंट किया जाता है, डायरेक्ट इलेक्शंस और इनडायरेक्ट इलेक्शंस, इनडायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है जी, सब लोग हम उसको पार्टिसिपेट नहीं करते। ही इज एडमिनिस्टर्ड ओथ बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही टेंडर्स इज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट, एंड द वाइस प्रेसिडेंट टेंडर्स इज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। कैन द प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड, द आंसर इज येस, एज पर आर्टिकल 61 फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही कैन बी इम्पीच्ड। With regard to whether the president is eligible for the re-elections or for the another term, the answer is yes. Article 57 says he can be. What all the executive power of the union, which is provided under the union list, that will be with the president. जो भी union list के powers हैं, वो सब president. क्यों? क्योंकि bill pass होगा दोनों houses से, लेकिन pass होने के बाद वो president की assent के लिए जाएगा. Then, who is the supreme commander of the armed forces? Again, the president. Who is the supreme commander of the armed forces? What are the qualifications of the president? He should be a citizen of India. He should not be holding any office of profit. And the age is 35 years of age. ठीक है? Either eligible to be a member of Lok Sabha. And what about the vice president? 35 years
35 years of age, qualification likewise of the Rajya Sabha, and he should not be holding any office of profit. Whether the vice president is the ex officio chairman of the Rajya Sabha, right? Can there be a deputy chairman of the Rajya Sabha? Yes. Vice president is administered oath by how he's elected? Indirect elections, not direct elections. Then what about the governor? State ka governor hai head, union ka president head. Same rules lagenge jo president ke hai wo governor ke. With regard to governor, appointed by the president and holds office during the pleasure of the president. What is the doctrine of pleasure? That means he enjoys the office at the whims and fancies of the president. Whenever he wants to expel him, remove him, he can remove without assigning any reason. And the doctrine of pleasure is provided under Article 310. Okay, 310 ke andar doctrine of pleasure ki doctrine provide ki gayi. Ab aa jao aapke governor aur aapke president ki power with regard to legislative power. That is your ordinance making power. 123, 213, and another power is under 239B. That is for the lieutenant governors. Who can promulgate an ordinance for the union? President. For the state? Governor. For the UT? Lieutenant governor. Once the ordinance has been promulgated, is there any limit which is fixed for the ordinance that it will remain in force for this much of the year? Dhyan se. Sure? Now online students can also participate. I am saying, ek bar ordinance promulgate ho gaya, वो कितने टाइम तक के लिए फोर्स में रहता है? इट कैन रिमेन अप टिल एनी टाइम प्रोवाइडेड व्हाट दे से इज द मोमेंट द सेशन हैज बीन मेड उस पे लेट डाउन किया जाएगा. इफ नथिंग हैज बीन पास इट विल सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 weeks. कैन द ऑर्डिनेंस बी प्रोमुलगेटेड अगेन एंड अगेन? इज देयर एनी लिमिट फॉर द सेम? नो. When the parliament is not in session, then only an ordinance can be promulgated where the president, governor, lieutenant governor feels ki emergency situation exists. What is the military power of the president? That he is the supreme commander of the armed forces. What is the judicial power of the president or the governor? That is the pardoning power. Article 72 and 161. 72 deals with the power to pardon, commute, respite, reprieve. The sentencing power. It may be death sentence also. Mercy petitions kis pe lagti hain? President pe. Mercy petitions mein agar inordinate or unexplained delay ho, kya uski commutation ho sakti hai? The answer is yes. What is the landmark case? Shatrughan Chauhan versus Union of India. Uske andar mercy petitions agar inordinately or unexplained delay ke karan nahi kuch bhi decision deta hai president, to it can be commuted to the life imprisonment. Then, who was the president who has rejected the most of the mercy petition? Yes, the then president Mr. Pranab Mukherjee. Theek hai, ab aa jaiye aage. Governor ke paas sari power hai, pardoning power nahi. Commute kar sakta hai, respite, reprieve sab kar sakta hai, but pardon nahi kar sakta death sentence ko. Theek hai, ye kaun si power hui uski? Judicial power. We have discussed military power, we have discussed your judicial power, legislative power. जितना भी एग्जीक्यूटिव का काम होगा विद रिगार्ड टू द यूनियन वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा. और विद रिगार्ड टू द स्टेट गवर्नर करेगा. ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ आपके स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर. स्पीकर कौन करता है? स्पीकर किस में होता है? लोकसभा में. चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा. लोकसभा और राज्यसभा प्लस द प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट्स व्हाट? द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट बनता ही इन तीन चीजों से है. ठीक है, इसके अंदर जो लोकसभा और राज्यसभा उसकी सीट्स कितनी कितनी है? 550 इज फॉर लोकसभा. एंड इसके अंदर से हमने एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को हटा दिया है आई थिंक बाय वे ऑफ 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके थ्रू पहले 552 थे जो दो मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट होते थे, उनको हमने निकाल दिया है. अब 550 हैं. 530 एंड 20 फ्रॉम यूटीज, 530 फ्रॉम द स्टेट. विद रिगार्ड टू राज्यसभा इट्स 250 है ना, 230 प्लस 20. तो इसके हिसाब से वो नॉमिनेट हो रहे हैं. एंड विच हाउस इज द परमानेंट हाउस? राज्यसभा और दी लोकसभा? राज्यसभा. द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर आफ्टर एवरी टू इयर्स. ठीक है, एंड द टर्म और द टेन्योर ऑफ लोकसभा इज 5 years. इट इज सब्जेक्ट टू द डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, तो पहले इलेक्शन हो जाएंगे. अब इसके बाद और क्या पढ़ना है इसमें हमने?
इसमें से देखते हैं। ना अभी तो यही नहीं खत्म हुआ। दीज आर द क्वालिफिकेशंस। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की रिगार्डिंग जो बात की थी वो डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इम्पीचमेंट की बात करेंगे। आ जाइए, विद रिगार्ड टू योर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, देर आर टू लैंडमार्क केसेस, वन इज जया बच्चन्स केस, अनदर इज शिबू सोरेन केस। पार्लियामेंट ने एक लिस्ट निकाली हुई है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के रिगार्डिंग कि कोई भी पर्सन अगर एक ऑफिस बींग एम पी एम एल ए रहता है तो वो उस ऑफिस को नहीं ले सकता, रख नहीं सकता, इवन दो ही इज नॉट रिसीविंग एनी रेम्यूनरेशन फॉर द सेम। अगर वो कुछ भी नहीं ले रहा है, सैलरीज भी नहीं ले रहा, लेकिन वहां पे वो जा रहा है तो वो नहीं। जैसे आपके जया बच्चन जो थे उस टाइम पे एम पी थे राज्यसभा के, एंड शी वॉज होल्डिंग अ पोस्ट ऑफ द चेयरपर्सन of UP Film Development Council, उस basis पे she was not earning any remuneration, but she was holding a post which was attached to the remuneration. So she took the plea कि मैं कोई पैसा उसमें से नहीं ले रही हूँ, but the Supreme Court has said because it is an office of profit, you are disqualified for being the MP. और इसके बाद आपका शिबू सोरेन का केस आया था और एक आपका ये केस। Then impeachment. With regard to president, impeachment के grounds जो हैं वो आपके हैं violation of the Constitution. वैकेंसी एंड टाइम फॉर होल्डिंग द इलेक्शंस इज द सेम। वैकेंसी है तो 6 months के अंदर अंदर इलेक्शंस दोबारा से करवाने पड़ेंगे। और क्या आपका प्रेसिडेंट जब तक इलेक्शन होके नया प्रेसिडेंट नहीं आता तब तक वो उस ऑफिस में कंटिन्यू कर सकता है एज प्रेसिडेंट? द आंसर इज यस। कैन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिकम द प्रेसिडेंट और कैन फंक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हु वाज दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु एक्टेड ऑल्सो एज द प्रेसिडेंट? Online students, those who are live, yes, हाँ बोलो, Justice Hidayatullah, sure, yes it was, ठीक है, who was the first Chief Justice of India? Hira J. Lal Kania, ठीक है जी, good. मनकेश इट इज हिदायतुल्ला नॉट हिनायत, ठीक है जी, ठीक है, गुड। आ जाइए आगे, ओथ कौन दिलाता है ये हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे आ जाइए। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट अंडर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जिसमें हम हेड करवाएंगे प्राइम मिनिस्टर से, दे विल ऑल एंजॉय द ऑफिस टिल द ड्यूरिंग दी प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट। और अगर यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट के हैं तो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। विद रिगार्ड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अगेन ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट, ठीक है। डज ही हैव अ राइट टू स्पीक इन एंड टू पार्टिसिपेट अटॉर्नी जनरल इन एनी ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउसेज? द आंसर इज येस, बट ही कैन नॉट वोट। डज ही हैव अ राइट टू ऑडियंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया? येस। डज ही हैव अ राइट टू वोट? What about the Advocate General at the state level? The same rights, except that he does not have a right to vote. And another restriction is, he does not have a right of audience throughout the territory of India. This is another restriction. Advocate General, Attorney General. Who is the present Attorney General of India? Who is the present Attorney General of India? Online students. Yes, tell me. Present Attorney General of India. गुड गुड पुनीत, चलिए नेक्स्ट आ जाइए आगे। विच बॉडी इज अ वाइडर बॉडी, कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, ओके। अब हमारा 78-79 तक हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन किया लोकसभा की, लेट्स सी आगे इसमें। सी composition of Rajya Sabha, 12 members to be nominated and not more than 238 representative of the states and UTs. Then iske andar aap aa jaiye aage Lok Sabha, we have discussed it, aur ye humne 104th constitutional amendment se khatam kar diya. Rajya Sabha ki duration as it has been stated jo humne discuss ki one third member retire every second year, duration of Lok Sabha is 5 years. Disqualifications and qualifications for the member of parliament, what are the age of the Rajya Sabha member and the Lok Sabha member?
30 for Rajya Sabha and 25 for Lok Sabha. They should be the citizens of India. Office of Profit, we have already explained. Now, disqualifications with regard to the defection. So, as per the anti-defection law, agar kahin pe bhi koi bhi person office of profit ya kuch aur hold karta hai, to wo disqualified hoga and his seat has to be declared as vacant seat. So, anti-defection law ke hisab se hum usko declare karayenge vacant. Next, aa jaiye iske baad. केस की हो तो होलुहू वर्सेस जेचलू केस दैट डिस्कस द रैशनल बिहाइंड शेड्यूल 10. तो अगर शेड्यूल 10 पे वो ये पूछते हैं कि केस कौन सा है, शेड्यूल 10 इज एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट दैट इज की हो तो होलुहू वर्सेस जेचलू. ठीक है, अब आ जाइए 85 आर्टिकल पे दैट टॉक्स अबाउट द सेशंस द पावर ऑफ द पार्लियामेंट और द प्रेसिडेंट टू for the joint session, for the prorogation or for the general session. जैसे अब elections due हैं center में, जैसे ही वो elections हो जाएंगे उसके बाद president एक special address करेगा और उनको बुलाएगा. वो हमेशा हर 5 साल के बाद होता है. अदरवाइज उनकी joint sitting करानी है, उनके sessions conduct करने हैं, sessions को terminate करना है या sessions को prorogue करना है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी यहाँ पे parliament president जो है वो कर सकता है as per article 85. जो मैक्सिमम गैप है वो जनरली 6 months का नहीं होना चाहिए. 3 sessions हैं आपके. कौन कौन से? बजट, मॉनसून एंड विंटर सेशन. तो ये जो हैं आपके 3 sessions जो हैं वो हर हाल में कहीं ना कहीं पे ज्यादा जो है 6 months से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट आ जाइए. हु हैज द पावर टू प्रोरोग्यू एंड डिसॉल्व द हाउसेस? इट्स द प्रेसिडेंट. नेक्स्ट आ जाइए. हाँ जी, विद रिगार्ड टू स्पीकर एंड चेयरमैन, अगर स्पीकर और चेयरमैन की रिगार्डिंग रिमूवल की बात की गई है तो क्या स्पीकर राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन रखता है? यस. बट क्या स्पीकर एज पर आर्टिकल 96 राइट टू वोट भी रखता है? एट फर्स्ट इंस्टेंस क्या वो राइट टू वोट रखता है? इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स. बड़े तुम तो सही बोल रहे हो. हाँ जी, नो. इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट कैसे देगा? फिर तो अपने फेवर में नहीं देगा. तो इक्वालिटी ऑफ वोट्स नहीं है उसके टाइम पे, नहीं है फर्स्ट इंस्टेंस पे कर सकता. व्हाट अबाउट द चेयरमैन? वो कुछ भी नहीं कर सकता. वो कुछ भी नहीं कर सकता द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. ठीक है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. आर्टिकल 96. ठीक है, यहाँ पे लिखा भी होगा have the right to speak in and take part in the proceedings of the House of People while any resolution for his removal from office is under consideration. They have not mentioned 96 clause 2, but you can read 96 clause 2. Hurry up, read it. Akash, are you sure? That is why you deleted it, na? Haan, padho, padha padh. The Speaker shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of the House of the People while any resolution for his removal from office is under consideration in the House and shall, notwithstanding anything in Article 100, be entitled to vote only in the first instance. That means he has a right to vote only in the first instance, but in case of equality of votes, he doesn't have a right. With regard to chairman, he does not have a right even at the first instance or even in the equality of votes. Clear hai? Ab aa jaiye aage. Ab hamara bacha hai bills ke upar and legislative and other. Because he's the ex officio chairman of Rajya Sabha. Okay. I think we'll have to take another session, I presume. And abhi ke liye main yahin pe band karti hu isko. Aur fir hum aage, theek hai, fir aage discuss karenge is cheez ko. Right?